डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों आज हम पेपर फर्स्ट में कम्युनिकेशन टॉपिक करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है हमारा आसान टॉपिक हम कह सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि कई बार ऐसे कॉमन सेंस के क्वेश्चन आ जाते हैं जिनके अंदर हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इसका ऑप्शन ए आएगा या बी आएगा या सी आएगा, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो उन सभी को समझने के लिए ये टॉपिक हमें थोड़ा सा ध्यान से करने की आवश्यकता है। तो इस वीडियो में हम कम्युनिकेशन को बहुत अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे, तो ये वीडियो आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। देखिए कम्युनिकेशन टॉपिक करने से पहले हमें इसकी बेसिक चीज़ पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि संचार है, संचार क्या है, इसके बारे में हमें बेसिक पता होना ज़रूरी है। दोस्तों अब देखिए, इन्होंने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये हम सभी को पता है, और संचार करना उसकी करती है। अपने भावों व विचारों का आदान प्रदान करना उसकी जन्मजात प्रकृति है। अब देखिए जो मनुष्य है जब वो जन्म लेते ही ऐसा नहीं है कि बच्चा जो सब कुछ सीख जाता है, लेकिन फिर भी वो कम्युनिकेशन करता है, वो रोता है, वो हंसता है, खेलता है, यानी कि किसी ना किसी तरह से वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। तो इसी लिए कहा जाता है कि जो कम्युनिकेशन है वो हमारा जब जन्म लेते तब से शुरू होके और जब हम मरते हैं तब तक हमारा कम्युनिकेशन चलता रहता है। और ये देखिए जैसा ऐसा माना जा सकता है कि मानव के अस्तित्व में आने के साथ ही संचार की आवश्यकता का अनुभव हो गया होगा। ये बात भी बिल्कुल सही है दोस्तों, जब मनुष्य ने पहली बार जन्म लिया तभी से इसकी आवश्यकता महसूस हो गई होगी। तो यहाँ पे आप बेसिक चीज़ें पढ़ सकते हैं। और नॉर्मल भाषा में हम कहें तो ये देखिए कि संचार क्या होता है। संचार एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर हम अपने हाव भाव और संकेतों के द्वारा अपना संदेश किसी दूसरे मनुष्य तक पहुँचाते हैं। और उसके लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें पढ़ा लिखा होना चाहिए या फिर ज़्यादा एजुकेशन होनी चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हम अपने हाव भाव किसी भी तरीके से अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। और इसके अंदर देखिए संचार क्या है, अब इससे ये तो हमने ऊपर नॉर्मल बात की थी, अब सही तरीके से समझे तो इसे संचार क्या है, व्हाट इज कम्युनिकेशन। सार्थक चिन्हों द्वारा सूचना को आदान प्रदान करने की प्रक्रिया संचार है। किसी सूचना या जानकारी को दूसरों तक पहुँचाना संचार है। जब मनुष्य अपने हाव भाव संकेतों वाणी के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान आपस में करता है तो वह संचार है। यही बात दोस्तों जो मैंने आपको बताई है। अब देखिए संचार की हम डेफिनेशन कर लेते हैं क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन पहले आ चुका है और आगे भी शायद क्या पता आ जाए, तो ये हमें करना ज़रूरी है। देखिए कम्युनिकेशन इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, कम्युनिकेशन शब्द लैटिन भाषा के कम्युनस से लिया गया। अब इसकी जो स्पेलिंग है ना दोस्तों वो ध्यान में रख लेना आप, ये देखिए COMMUNIS ये इसकी स्पेलिंग है। हो सकता है कि वो ऑप्शन के अंदर कुछ और चेंज करके लिख दे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जो लैटिन भाषा के कम्युनस से बनाए जिसका अर्थ है टू इम्पोर्ट टू मेक, ठीक है, तो इसका जो अर्थ है वो ये है, मन के विचारों व भावों का आदान प्रदान करना अथवा विचारों को सर्वमान्य बनाकर दूसरों के साथ बांटना ही संचार है। यानी कि जो हम बात कह रहे हैं वो ऐसी बात, ऐसा तरीका होना चाहिए कि जो अगले तक समझ में आ जाए। अब देखिए हम मान के चलते हैं कि कोई अंग्रेज़ हमारे पास आ जाए और हम अपनी लोकल लैंग्वेज में उससे बात करें तो वो नहीं समझ पाएगा, तो हमें ज़रूरी है कि हम भी उसके साथ उस लैंग्वेज में बात करें वो लैंग्वेज जो वो समझ सके। दोस्तों अगर आप चाहे तो बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स देते हैं, थ्योरेटिकल वीडियोस देते हैं, इसके साथ साथ 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर देते हैं विद टॉपिक वाइज क्वेश्चन। जैसे कि आज तक रिसर्च के क्वेश्चन आ चुके हैं वो हमने अलग रखे हैं, टीचिंग के क्वेश्चन अलग रखे हैं, कम्युनिकेशन के अलग रखे हैं, इस तरीके से सभी 10 यूनिट के जो क्वेश्चन हैं आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको सभी 10 यूनिट के लाइव मॉक टेस्ट देते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए सके। ठीक है, तो ये होता है इसके अंदर, ये वही बात है, ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, नॉर्मल चीज़ें हैं। आगे हम देखते हैं दोस्तों,
आगे जो डेफिनेशन दिए अलग अलग थिंकर ने क्या क्या कहा इनके बारे में, हम ये भी पढ़ लेते हैं। चेरी के अनुसार संचार उत्प्रेरक का आदान प्रदान है, यानी कि उत्प्रेरक भी इसी तरीके से कह सकते हैं कि जो अपनी भावनाएं वगैरह उनका आदान प्रदान है। सैनन ने संचार को परिभाषित करते हुए कहा है कि एक मस्तिष्क का दूसरे मस्तिष्क पर प्रभाव है, यानी कि हम अपनी थिंकिंग के जरिए दूसरे की थिंकिंग को चेंज करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। ये सेनन का कहना है। मिलन ने संचार को प्रशासनिक दृष्टिकोण से प्रभाषित किया है। आपके अनुसार संचार प्रशासनिक संगठन की जीवन रेखा है। अब ये देखिए, प्रशासनिक में भी, प्रशासन में भी हमारा जो है संचार होता है। जब हम कोर्ट वगैरह में जाते हैं तो वहाँ कितना संचार होता है, तो इसे भी इन्होंने प्रशासनिक दृष्टि से संचार को महत्वपूर्ण माना है। और वीवर के अनुसार, वीवर ने क्या कहा है, वीवर के अनुसार वे सभी तरीके जिनके द्वारा एक मानव दूसरे को प्रभावित कर सकता है संचार के अंतर्गत आते हैं। न्यूमैन एंड समर के दृष्टिकोण में संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच तथ्यों, विचारों या भावना का पारस्परिक आदान प्रदान है। ठीक है, ये बात भी इनकी सही है। और विल्वर के अनुसार संचार एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा श्रोता जो सेंडर है से श्रोता तक संदेश पहुंचाया जाता है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संदेश पहुंचाया जाता है। तो यहाँ से आप ये पढ़ सकते हैं, और ये हमने दिया, यहाँ भी आप पढ़ सकते हैं। आगे हम देखते हैं दोस्तों, संचार की जो प्रकृति है वो कैसी है, ये हम देखते हैं। नेचर ऑफ कम्युनिकेशन कैसा है, इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, संचार विज्ञान एवं कला दोनों है, ये हमें समझना ज़रूरी है कि संचार विज्ञान भी है और कला भी। अब देखिए, विज्ञान किस तरीके से, विज्ञान इस तरीके से कि आज हमने कम्युनिकेशन करने के लिए टेलीफोन बना लिए है, स्मार्टफोन बना लिए, तो ये क्या है, ये हमारा विज्ञान के अंदर आता है। और दूसरा, कला की अगर हम बात करें तो कला ये होती है जैसे कि किसी के भाषण देने का तरीका बहुत अच्छा होता है, वो दूसरे को बहुत प्रभावित कर सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, संचार जो है वो कला और विज्ञान दोनों है। संचार एक जन्मजात गुण है, यानी कि जो संचार है जब हम जन्म लेते तभी से शुरू हो जाता है। और संचार एक सामाजिक प्रक्रिया है। अब देखिए, संचार क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया, सोशल प्रोसेस है जिसके अंदर हर कोई जो व्यक्ति है वो संचार करता है, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे कैसा ही हो, वो संचार करता है। आगे हम देखते हैं, संचार एक मानवीय प्रक्रिया है। अब ये देखिए, कम्युनिकेशन इज ए ह्यूमन प्रोसेस, वास्तव में संचार एक मानवीय प्रक्रिया जिसमें संचार के दोनों पक्ष, प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता, सामाजिक प्राणी होते हैं, और समाज संचार की संपूर्ण प्रक्रिया व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के मध्य ही संपन्न होती है। अब ये देखिए, कुछ हद तक इसको कह सकते हैं कि जो संचार है मानवीय प्रक्रिया है, इसके अंदर एक इंसान दूसरे इंसान को संचार सेंड करता है, भेजता है, लेकिन यहाँ पे हम ये भी कहेंगे कि इसके अंदर अन्य प्राणी हैं वो भी अपना संचार करते हैं, जैसे कि पशु पक्षी है वो भी अपना संचार करते हैं। तो वो क्या है कि मानवीय यानी कि प्राणी की जो है वो प्रक्रिया है ये। अब देखिए, निर्जीव वस्तु है वो संचार नहीं कर सकती, तो ये है इसके अंदर। आगे दोस्तों, संचार एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अब देखिए, जो कम्युनिकेशन है वो यूनिवर्सल प्रोसेस है, संचार के सिद्धांत सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं। अब देखिए, जो संचार है वो हर जगह होता है, पूरे वर्ल्ड के अंदर होते हैं, जो इसके सिद्धांत है संचार के वो पूरी दुनिया पे लागू होते हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर होता है। आगे हम देखते हैं कि संचार की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, ये हमें देखना ज़रूरी है। इसमें से पहले एक क्वेश्चन आ चुका है, रुकिए दोस्तों, अभी हम देखते हैं। अब देखिए, इसमें मुख्य रूप से पांच चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले होता है संदेशवाहक, वक्ता या लेखक, यानी कि जो व्यक्ति संदेश देना चाह रहा है किसी व्यक्ति को, तो वो हो गया सेंडर, सबसे पहले सेंडर, संदेश देने वाला। उसके बाद हो गया मैसेज, यानी कि जो हम संदेश देना चाहते हैं, सेकेंड नंबर पर वो आता है मैसेज आता है, यानी कि विचार। तीसरा आता है दोस्तों हमारे पास मीडियम, यानी कि किस माध्यम से हम दे रहे हैं उसको, यानी कि चिट्ठी लिख के दे रहे हैं, या फिर मेल भेज रहे हैं, या फिर उसको टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, किस तरह से हम उसको, किस मीडियम से अपना मैसेज है वो दे रहे हैं। अगला है दोस्तों रिसीवर,
यानी कि क्या जो रिसीव करने वाला अगला व्यक्ति है वो भी होना ज़रूरी है ना दोस्तों। अगर आगे आगे कोई रिसीव करने वाला ही नहीं है तो हमारे जो मैसेज है उसका कोई मतलब नहीं बनता। उसके बाद दोस्तों हमारा फीडबैक है, यानी कि रिसीवर ने किसी व्यक्ति ने हमारा संदेश प्राप्त कर लिया, उसके बाद उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई है वो हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ और आती है दोस्तों इन सभी के बीच में, वो आती है नॉइज़, यानी कि एरर। अब देखिए हम जब संदेश भेजते हैं तो उसमें कुछ खराबी भी आ सकती है, जैसे कि मान के चलिए हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं, फ़ोन पे बात करते करते हमारे पीछे से कोई बाइक गुजरा तो उसका जो शोर आएगा तो अगला व्यक्ति क्या है कि वो अच्छे से नहीं सुन पाएगा कि हमने क्या कहा है, तो वो नॉइज़ आती है, ठीक है। लेकिन उन सभी में से ये जो पांच तत्व है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसमें से एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है दोस्तों। ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये सीक्वेंस पहले क्वेश्चन में आ चुकी है, क्वेश्चन पेपर में पहले आता है सेंडर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर और फिर आता है फीडबैक। ये चीज़ आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। आगे देखते हैं दोस्तों आगे और क्या विशेषताएँ हो सकती है इसकी संचार की। अब देखिए संचार एक सतत प्रक्रिया, यानी कि संचार जो है कंटिन्यूसली चलने वाली प्रोसेस है, ये हमेशा चलती रहती है। आगे है यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में, संचार अर्थ संचारित करने का माध्यम है। अब देखिए संचार का एक्चुअल मायने में मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो चीज़ हम कह रहे हैं वो अगले को समझ में आए, ये तो है इसका असली अर्थ, ठीक है। यानी कि अगर हम कोई बात समझाना चाह रहे हैं, अगर वो अगला व्यक्ति गलत तरीके से उसे समझ लेता है तो वो हमारा संपूर्ण तरीके से हम कम्युनिकेशन या संचार उसे नहीं कह सकते, ठीक है। और इसके अंदर एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखने वाली है दोस्तों, ये भी पहले क्वेश्चन पेपर में आ चुकी है कि संचार प्रक्रिया में सूचना प्रेषण करने वाले को एनकोडर कहा जाता है, यानी कि जो व्यक्ति इन्फॉर्मेशन भेजता है उसे हम क्या कहते हैं, एनकोडर कहते हैं। यानी कि एनकोडिंग करना, मैसेज को एनकोड करना, एनकोड का मतलब ये होता है दोस्तों कि मैसेज को इस रूप में ढालना जिस रूप में अगला व्यक्ति समझ सके, ठीक है। और सूचना प्राप्त करने वाले को डिकोडर कहा जाता है, जो व्यक्ति सूचना ले रहा है वो उस हिसाब से सूचना को ले कि वो खुद समझ सके और आगे किसी को समझा सके। अब देखिए इसका मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अब मान के चलते हैं कि फॉरेन का यानी कि दूसरी कंट्री का हमारे पास कोई व्यक्ति आ जाता है, ठीक है। दूसरी कंट्री का कोई व्यक्ति आ गया, वो वहाँ पर कुछ चीज़ समझा रहा है, हमारे देश में ये चीज़ होती है वो चीज़ होती है, गाँव के लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गाँव के लोग नहीं समझेंगे उसकी बात को, ये इंग्लिश में बोल रहे हैं। इस दौरान क्या होगा कि एक व्यक्ति आया जो पढ़ा लिखा है हमारे गांव का, तो उस व्यक्ति ने क्या किया, अंग्रेज व्यक्ति जो बोल रहा है उसकी इंग्लिश की जो भाषा है उसको एनकोड किया, गांव की जो लैंग्वेज है लोकल लैंग्वेज में एनकोड किया, ठीक है। और फिर गांव वालों को आगे वो चीज़ उन्होंने बताई। तो ये जो बीच में जो व्यक्ति है दोस्तों इंग्लिश भाषा को गांव की लैंग्वेज में समझने की कोशिश करता है और आगे समझाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एनकोडर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से होता है एनकोडर और डिकोडर। और आगे हम देखते हैं दोस्तों, ये यहाँ पे आप ग्राफ है ये भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अब देखिए संचार एक द्विमार्गीय प्रक्रिया है, ये भी ज़रूरी है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। कम्युनिकेशन इज़ ए टू वे प्रोसेस, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है कि जो कम्युनिकेशन है टू वे प्रोसेस है किस तरह से है। अब देखिए जब हम किसी को मैसेज भेजते तो हम चाहते हैं कि हमें ये पता होना चाहिए कि क्या अगले के पास मैसेज पहुंचा या नहीं पहुंचा, और अगले की क्या प्रतिक्रिया है वो हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि जब तक अगले का फीडबैक ना मिले हमें तो वो कम्युनिकेशन है कम्प्लीट नहीं माना जाता। तो इसलिए कहा जाता है कि जो कम्युनिकेशन है वो द्विमार्गीय प्रक्रिया टू वे प्रोसेस है, ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है। यहाँ पे ऐसे आ सकता है क्वेश्चन के अंदर, कम्युनिकेशन इज ए वन प्रोसेस, टू वे प्रोसेस, मल्टी वे प्रोसेस और नन ऑफ द वो, ठीक है। और आगे देखते दोस्तों संचार माध्यम के विभिन्न प्रकार। अब देखिए जो संचार हम करते हैं उसके मीडियम जो है वो काफ़ी तरह के मीडियम हो सकते हैं। देखिए पहले क्या था कि पहले हम चिट्ठी लिख के भेजते थे मैनुअल तरीके से, लेकिन आज के टाइम में क्या है कि आज के
टाइम में, जैसे टेलीफेक्स आ गया, ईमेल आ गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आ गया, और जैसे कि आजकल ब्रॉडकास्टिंग भी आ गया जिसे हम मास कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, एक वीडियो को हज़ारों लोग देख रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मास कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी कि एक समय में हज़ारों सैकड़ों लोगों तक संदेश पहुँचाना उसे क्या कहते हैं, मास कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ये जो है कि नए चैनल आए हैं, नए मीडियम आए हैं कम्युनिकेशन के, तो ये होता है दोस्तों इसके अंदर मुख्य रूप से। तो दोस्तों ये था आज का हमारा कम्युनिकेशन से रिलेटेड एक बेसिक लेक्चर, जिसके अंदर हमने बताया कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन का अर्थ क्या होता है, और उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं होती है, और कम्युनिकेशन के का जो नेचर है वो क्या होता है। इनमें से क्वेश्चन आने की संभावना है दोस्तों, और अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स। डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमीज नेट पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि संचार के प्रकार के बारे में हम बात करने वाले हैं। संचार के काफी तरह के प्रकार है दोस्तों, और इनमें से बहुत से क्वेश्चन आज तक आए हैं और आगे भी आने की संभावना है, और टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बहुत आसान है दोस्तों अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये वीडियो आप दोस्तों पूरा देखना और ध्यान से देखना क्योंकि इसमें से काफी क्वेश्चन आने की संभावना है। दोस्तों अगर आप चाहे तो बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स देते हैं, थ्योरेटिकल वीडियोस देते हैं, इसके साथ साथ 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर देते हैं विद टॉपिक वाइज क्वेश्चन। जैसे कि आज तक रिसर्च के क्वेश्चन आ चुके हैं वो हमने अलग रखे हैं, टीचिंग के क्वेश्चन अलग रखे हैं, कम्युनिकेशन के अलग रखे हैं, इस तरीके से सभी 10 यूनिट के जो क्वेश्चन है आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको सभी 10 यूनिट के लाइव मॉक टेस्ट देते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं संचार के प्रकार के बारे में यानी कि टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। देखिए जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो काफ़ी तरह का हो सकता है, यानी कि हम दो व्यक्ति भी आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं और 1000 लोग एक सभा में बैठ के भी बातचीत कर सकते हैं, तो इस तरीके से बहुत से टाइप हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं दोस्तों जो संख्या है, लोगों की संख्या के आधार पर कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले आता है दोस्तों इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, इसे व्यक्तिगत संचार भी कहते हैं, अंत व्यक्तिगत संचार कहते हैं। अगला है इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, इन सभी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे, ठीक है। और उसके बाद में ग्रुप कम्युनिकेशन, उसके बाद में मास कम्युनिकेशन, ये संख्या के आधार पर है। अब देखिए सबसे पहला है हमारा अंत व्यक्तिगत संचार यानी कि इंट्रा पर्सनल, ये चीज़ आप ध्यान में रखना दोस्तों, यहाँ पर इंट्रा पर्सनल दिया ना कि इंटर पर्सनल नहीं, इंट्रा TRA दिया है, ठीक है, इंट्रा पर्सनल। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जब व्यक्ति खुद से ही संचार करे, यानी कि जब हम सोचते हैं या फिर किसी ख्याल में चले जाते हैं तो अपने आप से बातें करना क्या कहलाता है, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। यहाँ पे आप हिंदी में भी ये पढ़ सकते हैं, इसमें पूरी जानकारी दी हुई है, यानी कि जब व्यक्ति खुद से संचार करता है, यानी कि जब हम सपने वगैरह लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। और आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप इसकी विशेषताएं भी पढ़ सकते हैं। और आगे आता है दोस्तों हमारे पास अंतर व्यक्तिगत संचार यानी कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अब देखिए इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि इसके अंदर दो या दो से अधिक लोग हो सकते हैं, दो तीन लोग हो सकते हैं जिसके अंदर हम बातचीत करें। इसमें यानी कि हम खुद नहीं होते, अगला व्यक्ति हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन व्यक्ति हो सकते हैं। जब दो लोग आपस में भावना विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे अंतर व्यक्तिगत संचार कहते हैं। यह आमने सामने होता है, यह दो तरफा टू वे कम्युनिकेशन होता है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है। यह कभी भी संकेत, स्वर, भाव, शब्द इत्यादि के द्वारा किया जाता है, और इसमें भी आप काफ़ी तरह की बातें वो आप पढ़ सकते, बिल्कुल आसान है दोस्तों, इसमें कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है आप पढ़ना। और वैसे भी आपको शायद समझ में आ रहा होगा जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसमें फीडबैक तुरंत मिलता है, जब हम दो लोग बातचीत करते हैं आमने सामने तो बहुत जल्दी जो है फीडबैक आ जाता है, बाधा आने की संभावना बहुत कम रहती है। इसके अंदर हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो हम अगले से पूछ सकते हैं भाई क्या बात है, कैसे है और किस तरह से, वो सारी चीज़ें हम पूछ सकते हैं। तो इसमें काफ़ी तरह की इनकी विशेषता दी हुई, आप सभी पढ़ लेना, क्योंकि दोस्तों मैं अगर सभी चीज़ें आपको पढ़ के बताने लग गया तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी, तो इसे हम थोड़ा स्किप करके चल रहे हैं।
आगे दोस्तों हमारे पास समूह संचार यानी कि ग्रुप कम्युनिकेशन। अब ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है दोस्तों, उसके अंदर क्या होता है कि जैसे 5 लोग हो सकते हैं, 10 लोग हो सकते हैं, तो यानी कि एक ग्रुप में मिलकर जब हम बात करें तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ग्रुप। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि ग्रुप के अंदर 500 लोग नहीं हो सकते, ग्रुप के अंदर कितने होंगे, 5 होंगे, 10 लोग होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 15 लोग होंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है ये बात। और आगे देखते हैं कि समूह संचार की विशेषताएं आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं। देखिए सभी अपनी इच्छा व सामर्थ्य के अनुसार सहयोग करते हैं। अब जिसको जितनी बोलने की इच्छा वो उतना बोल सकता है, कोई किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। सदस्यों के बीच समान रूप से विचार भावनाओं का आदान प्रदान होता है। संचारक और प्रापक के बीच निकटता होती है, यानी कि एक पास एक साथ बैठे हुए होते हैं, बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। और विचार विमर्श के समाधान से समस्याओं का समाधान किया जाता है। अब देखिए 10 लोग बैठे हैं, कोई समस्या है तो कोई कोई विचार देगा, कोई कोई राय देगा, तो हमारी जो समस्या है उस पर जल्द से जल्द समाधान होने की संभावना बनी रहती है। और आगे दोस्तों हमारे पास जन संचार यानी कि मास कम्युनिकेशन। अब देखिए मास कम्युनिकेशन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जन प्लस में संचार। जन का अर्थ होता है भीड़, यानी कि बहुत ज़्यादा लोगों के क्राउड जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जन कहते हैं, भीड़ कहते हैं। समूह संचार का वृहत रूप है जन संचार। अब देखिए जो समूह संचार होता है उसका जो बड़ा लेवल होता है उसे हम कहते हैं जन संचार कहते हैं, यानी कि मास कम्युनिकेशन कहते हैं। अब देखिए मास कम्युनिकेशन जैसे कि टीवी पे कोई सीरियल चल रहा है, उस सीरियल को हज़ारों लोग एक साथ देख रहे हैं, तो वो क्या हो गया, मास कम्युनिकेशन हो गया। कोई रैली है, रैली के अंदर हज़ारों लोग बैठ के किसी नेता की बात सुन रहे हैं, तो वो क्या हो गया, वो हो गया हमारा जन मास कम्युनिकेशन हो गया, जन संचार हो गया, ठीक है। और अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो जनता जो होते हैं हमारी, वो बिखरी हुई जनता होती है, वो अलग अलग जगह हो सकती है। अब वही बात आ गई ना, जैसे कि टीवी पे हम इंटरव्यू देख रहे हैं, कोई कहीं पे बैठा है, कोई कहीं पे बैठा है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक साथ बैठे हुए सभी के सभी लोग। और जैसे कि वो हमारा ग्रुप कम्युनिकेशन होता है, ग्रुप कम्युनिकेशन के अंदर सभी लोग 10-15 लोग इकट्ठे बैठते हैं, लेकिन मास कम्युनिकेशन के अंदर इकट्ठे नहीं बैठते। अब यहाँ पे जन संचार की कुछ विशेषताएं भी हम देख लेते हैं। विशाल भूभाग में रहने वाले प्रापक के साथ एक साथ संपर्क स्थापित होता है। अब देखिए हम एक साथ हजारों लोगों के साथ इसमें बात कर सकते हैं, ये इसकी एक अच्छी बात है। समस्त प्रापकों के लिए संदेश समान रूप से खुला रहता है, यानी कि जो हम एक व्यक्ति को संदेश दे रहे हैं वही संदेश हजारों लोगों के साथ हम एक साथ पहुंचा सकते हैं। संदेश माध्यम के मदद से संदेश का संप्रेषण किया जाता है। अब देखिए इसमें कोई हमारे पास मीडियम होता है, जैसे कि रेडियो हो सकता है, टीवी हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिसके द्वारा हम हज़ारों लोगों तक हमारी पहुँच पहुँचा सकते हैं। और आगे देखते हैं दोस्तों आगे हमारे पास क्या है, इसमें और भी काफ़ी तरह की बातें वो आप पढ़ सकते हैं। आगे हैं हमारे पास दोस्तों चैनल के आधार पर। अब देखिए मीडियम जो है उसके आधार पर किस तरह का संचार हो सकता है, उसके टाइप की बात करते हैं। एक होता है शाब्दिक, एक होता है अशाब्दिक। ये जो टाइप है दोस्तों ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये करने, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए सबसे पहला आता है हमारे पास शाब्दिक संचार आता है। अब देखिए शाब्दिक संचार के अंदर क्या होता है, जैसा कि हमें शब्द से ही पता चल रहा है कि जिसके अंदर शब्दों का यूज़ किया गया हो, यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन, शब्दों का यूज़ करके कोई हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उसे हम कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि शाब्दिक संचार कहते हैं। अब देखिए शाब्दिक संचार की प्रक्रिया काफ़ी जटिल हो सकती है दोस्तों। अब देखिए कोई बच्चा है, उसको कोई बात बतानी है अपने मम्मी पापा को, अब 1 साल का बच्चा, उसको कोई बात बतानी है, अगर उसे शब्द नहीं आते, बोलना नहीं आता, तो उसे उसके लिए बहुत मुश्किल है वो चीज़। और इसी तरीके से अगर हम किसी दूसरी कंट्री में चले जाएं, वहाँ की हमें भाषा नहीं आती, तो हमारे लिए वर्बल कम्युनिकेशन करना मुश्किल हो सकता है, इसलिए इसे थोड़ा जटिल कहा गया है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि इनमें से पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जटिल कम्युनिकेशन है, वर्बल या नॉन वर्बल। अब नॉन वर्बल क्या होता है, नॉन वर्बल के अंदर हम किसी को इशारा करके समझा सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर देखते हैं दोस्तों
कि शाब्दिक संचार के अंदर मुख्य रूप से कौन कौन से आते हैं। अब देखिए शाब्दिक संचार जब हम शब्दों का यूज़ कर रहे हैं, एक होता है मौखिक संचार। मौखिक संचार यानी कि बोल के, जैसे मैं आपको अब बोल के बात कर रहा हूँ, और जैसे कि 5 साल का बच्चा हम लगाते हैं, वो बोल सकता है कि पापा मेरे को ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, और कविता भी सुना सकता है। लेकिन क्या है कि वो लिख नहीं सकता, वो बोल सकता है। बोलने को वो पता नहीं क्या क्या बोलते, लेकिन लिख नहीं सकता। तो इस तरीके से जो मौखिक यानी कि बोल के जो संचार करते हैं शब्दों के द्वारा, उसे हम कहते हैं मौखिक संचार कहते हैं। और इसके लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि हमें शिक्षा आना ज़रूरी है, कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि हमने जैसे बड़े बुजुर्ग देखे, वो लोग शिक्षित नहीं है, लेकिन फिर भी वो शब्दों का यूज़ करके बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन कर लेते हैं। अब देखिए, एक मिनट रुकिए, इसके अंदर क्या है और चीज़ें मैं आपको बताऊँ कि संचार की इस प्रक्रिया द्वारा संचारक एवं प्रापक के मध्य संवाद स्थापित होता है। और इसे क्या कहा गया है दोस्तों, मौखिक शब्दों द्वारा पारस्परिक से संचार संदेश वाहन की सर्वश्रेष्ठ कला है। अब ये देखिए, जो बोल के संचार किया जाता है, इससे बहुत अच्छा संचार स्थापित कर सकते हैं हम। अब देखिए, किसी के बोलने का लहजा बहुत अच्छा है और हम उसके बोलने के द्वारा ही काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, ठीक है। और आगे देखते हैं दोस्तों, मौखिक संचार के माध्यम क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या मीडियम हो सकते हैं। अब देखिए, वार्तालाप यानी कि एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वो हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, प्रदर्शन हो गया, भाषण हो गया, वाद विवाद हो गया। तो ये सभी चीज़ें क्या है दोस्तों, ये हमारे मौखिक संचार के साधन हम कह सकते हैं मुख्य रूप से। और आगे जैसे विचार गोष्ठी हो गया, पैनल वार्ता हो गया, सम्मेलन हो गया, इन सभी में हम शब्दों का यूज करके लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। अब देखिए, मौखिक संचार की विशेषताएँ क्या क्या है, कम समय में अधिक लोगों के साथ संवाद संभव। अब देखिए, हम एक जगह पे बैठे हुए हैं और वहाँ पे बोल के हज़ारों लोगों को कम्युनिकेशन कर सकते हैं, यानी कि बोल के। अब देखिए, बोलने से बहुत कुछ समझ में आ जाता है। अब कोई हम इशारा करें, हो सकता है वो इशारा किसी को समझ में ना आए, तो इससे क्या होता है कि बोलने से बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है, त्रुटियां होने की कम संभावना। अब जब हम बोलते हैं तो उसमें गलतियां होने की बहुत कम संभावना होती है, समय की बचत। अब हम बोल के बहुत कम समय में बहुत अच्छी बात बता सकते हैं। तो यहाँ पे आप काफ़ी तरह की बातें हैं, वो चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। और प्रापक से फीडबैक मिलने की पूरी संभावना। अब देखिए, बोल बोल के हम अगले को कह सकते हैं, भाई हाँ जी बताइए क्या रहा, क्या है, तो अगले से हम फीडबैक ले सकते हैं बोल के। और अगला है दोस्तों, वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर ही हमारा लिखित संचार। अब देखिए, शब्दों की बात चल रही है यहाँ पे, शब्द बोल के भी हो सकते हैं और लिखित भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये देखिए, मौखिक संचार में, ये तो जैसे हमने पहले मौखिक की बात की, अब हम बात कर रहे हैं लिखित संचार। अब देखिए, मौखिक संचार से संदेश संप्रेषण की संभव समाप्त होने की स्थिति में, सॉरी दोस्तों ये पता नहीं कैसे क्या हो गया, मैं आपको नॉर्मल बता देता हूँ क्या होता है। लिखित संचार के अंदर क्या होता है कि हम जैसे कि कोई लेटर लिख के किसी को बात बताते हैं, कोई नोट्स लिख के बताते हैं, किसी को मैसेज टाइप करके या ईमेल टाइप करके, यानी कि टाइपिंग करके लिखित में किसी दूसरे को संदेश देना क्या कहलाता है, लिखित संचार यानी कि रिटन कम्युनिकेशन वो कहलाता है, ठीक है। शायद मेरे को इसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ जाओगे। और लिखित संचार के माध्यम क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों, सूचना पट यानी कि नोटिस बोर्ड हो सकता है, समाचार बुलेटिन हो सकते हैं, प्रिंट मीडिया हो सकती है, नियम पुस्तिका हो सकती है, कार्यालय आदेश हो सकते हैं, पत्र फॉर्म पुस्तकें, यानी कि काफ़ी तरह के माध्यम हो सकते हैं लिखित संचार के लिए, बुक्स वगैरह हो सकती है, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें इसके अंदर आ सकती हैं। और अब देखिए, लिखित संचार की विशेषता ये भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं, मौखिक संचार की तुलना में अधिक विश्वसनीय है। अब ये चीज़ हमें समझना ज़रूरी है दोस्तों। देखिए, अगर हम किसी को ये कह दे भाई, जैसे बहुत सारी बातें चलती है ना कि मैंने उस दिन तेरे को ये बात कही थी, तू आज झूठ बोल रहा है, इस तरीके से हम यानी कि कोई बात कह देते, कहने से उसका प्रूफ नहीं होता, लेकिन जब हम किसी को लिखित में कोई चीज़ देते हैं तो वो प्रूफ ज़्यादा मान्य होता है। तो इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, मौखिक संचार की तुलना में लिखित संचार जो होता है वो बहुत विश्वसनीय होता है। और आपने देखा होगा कि जितने भी ऑफिशियल वर्क होते हैं वो लिखित में होते, रिटन होते हैं। रिटन क्यों होते हैं, ताकि उनका उनको एक आगे कोई एविडेंस के रूप में यूज किया जा सके, ठीक है, सबूत के रूप में।
भविष्य में साक्ष्य और संदर्भों के रूप में प्रस्तुतिकरण संभव है। अब देखिए, लिखित संचार हम सालों तक रख सकते हैं, लेकिन अगर हमने किसी को कोई बात बता दी तो वो बात हम हजारों सालों तक नहीं रख सकते। हाँ, रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, वो चीज़ अलग है, लेकिन अगर हम किसी को बोल दें तो वो बोली हुई बात तो हम हजारों सालों तक नहीं रख सकते, लेकिन लिखी हुई बात अगर हमने कोई पुस्तक रख दी तो वो हजारों सालों तक रख सकते हैं। संचारक और प्रापक की एक साथ मौजूदगी संभव यानी कि जरूरी नहीं है, यानी कि जिसे हम मैसेज भेज रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि वो उसी टाइम होना जरूरी है। अब जैसे हम लेटर भेज रहे हैं, वो अगले के पास चाहे 10 दिन पहुँचे या 20 दिन बाद पहुँचे, कभी भी पहुँचे, कोई दिक्कत नहीं है, और उसका ज़रूरी नहीं है कि जब हम भेज रहे हैं तभी वो हो। तो ये कुछ कुछ इसकी विशेषता है दोस्तों। और आगे आता है दोस्तों हमारे पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि अब बात आती है अशाब्दिक संचार, यानी कि जिसमें शब्दों का यूज ना करें उसे हम कहते हैं अशाब्दिक संचार, यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब देखिए, संचार केवल शाब्दिक ही नहीं बल्कि अशाब्दिक भी होता है। अब वही बात आती है कि जो हम कम्युनिकेशन करते हैं वो ऐसी बात नहीं है कि केवल और केवल शब्दों के द्वारा किया जाता है, नहीं, वो हम हाव भाव आवाज़ के उतार चढ़ाव से भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक छोटा सा बच्चा होता है तो वो रो के अपनी फीलिंग बता देता है कि मेरे को भूख लगी है या क्या लगा है या मेरे को चोट लगी है, तो उसके उसके बाद उसके पास शब्द नहीं होते, उसके बाद क्या होती है, उसके पास क्या होती है, फीलिंग होती है, हाव भाव होते हैं, ठीक है। अब देखिए, आवाज़ का उतार चढ़ाव, शरीर की मुद्रा, यानी कि जो व्यक्ति बोल नहीं सकते तो वो क्या करते हैं कि हाथों का इशारा करके अपनी बात समझाते, तो उसे हम क्या कहते हैं, अशाब्दिक संचार कहते हैं। और यहाँ पे ये देख सकते हैं कि संचार के विशेषज्ञ मेहरावियन ने सन 1972 में अपने अध्ययन के दौरान पाया कि मानव 55% संचार अशाब्दिक, 38% शेष और 7% शब्दों में यूज करता है। यहाँ पे ये चीज़ आप देख सकते हैं, वैसे इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखिए, अशाब्दिक संचार के प्रमुख माध्यम कौन कौन से हो सकते हैं। अब सबसे पहला आता है दोस्तों शारीरिक मुद्रा, यानी कि बॉडी लैंग्वेज। अब देखिए, बॉडी लैंग्वेज के द्वारा हम बहुत कुछ बात समझा सकते हैं। जैसे अभी मैं भी आपको बता रहा हूँ तो हाथों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इससे क्या होता है कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। और आगे दोस्तों वेशभूषा। अब देखिए, वेशभूषा यानी कि हमारे पहनने का लहजा जो है, जो हम वेशभूषा पहनते हैं उससे हमें पता चल जाता है कि ये जो व्यक्ति है कहाँ का रहने वाला है, उससे काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि उसका कम्युनिकेशन हो सकता है। और आगे हम देखते हैं दोस्तों स्पर्श यानी कि टच के द्वारा। अब देखिए, जो हमारा दोस्त होगा उससे हम कैसे बात करेंगे, कैसे मिलेंगे, और एक अजनबी होगा तो उसको हम किस तरीके से पकड़ेंगे, उसकी बाह को, उसके हाथ को, और जो हमारा दोस्त होगा उसको हम अलग तरीके से पकड़ेंगे। तो यानी कि टच के द्वारा भी हमें पता चलता है कि जो अगला दोस्त है वो हमारा मित्र है या अनजान है या क्या है, तो उससे क्या होता है कि एक कम्युनिकेशन स्थापित होता है। और आगे दोस्तों हमारे पास निकटता यानी कि प्रॉक्सिमिटी, इससे सामने वाले व्यक्ति से हमारा संबंध प्रकट होता है। उपरोक्त के अलावा संपर्क, व्यक्ति का प्रभाव आदि भी अशाब्दिक संचार के अवयव है। अब देखिए, वही बात आ रही है कि जो हमारा मित्र होगा, मित्र से हम बहुत अच्छे से मिलेंगे तो उससे हमें क्या पता चलेगा कि ये दोनों काफ़ी एक दूसरे को जानते हैं, यानी कि एक कम्युनिकेशन हो गया, प्रॉक्सिमिटी यानी कि निकटता। जिस व्यक्ति के हम ज़्यादा नज़दीक जाएंगे और ज़्यादा अच्छे से बात करेंगे तो वो अपने आप में एक कम्युनिकेशन कर रहा है कि ये दोनों व्यक्ति एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हमारे पास काइनेसिस। अब ये देखिए, इसमें से क्वेश्चन पहले आ चुके हैं दोस्तों, 1 से 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, ये आप ध्यान में रख लेना। यह गैर मौखिक या गैर शाब्दिक संचार का ही एक रूप माना जाता है। इसको संचार के संदर्भ में शारीरिक गतिविधियों के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी कि इसको बॉडी लैंग्वेज के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। अब देखिए, इसके अंदर कई तरह की चीज़ें आती है। देखिए कि एक तो बॉडी लैंग्वेज आ गया, एक साइन लैंग्वेज आ गया, साइन यानी कि हम कोई इशारा करके बता रहे हैं, पैरा लैंग्वेज आ गया, स्पर्श यानी कि टच आ गया, आई कॉन्टैक्ट आ गया, सरल भाषा में यह शरीर की भाषा कहा जा सकता है। अब शरीर है हमारा, शरीर से हम काफ़ी तरह से एक्सप्रेशन कर सकते हैं, जैसे कि गुस्से में होते हैं तो हम अलग तरीके से भाव बनाते हैं,
और जब हम किसी को इशारा करना हो तो हम आँखों का उपयोग करते हैं, तो उन सभी चीज़ों को यानी कि जिसके अंदर बॉडी लैंग्वेज का यूज़ हो तो उसे हम क्या कहते हैं, काइनेसिस लैंग्वेज कह सकते हैं। और आगे दोस्तों हमारे पास मेटा लैंग्वेज यानी कि मेटा संचार, मेटा कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, प्राय हम जो कहते हैं और जो अर्थ ग्रहिता तक पहुँचता है उसमें कुछ अंतर रहता ही है। अब देखिए, जो बात हम समझाना चाह रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है कि अगले के पास वही बात पहुँची हो सकता है वो उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, वो कुछ गलत तरीके से उसने बात को ले लिया हो, कुछ गलत मतलब निकाल लिया हो। सभी अशाब्दिक संकेत जैसे बात कहने का लहजा, चेहरे की अभिव्यक्ति आदि अर्थ को वांछित स्तर से अच्छे ढंग से भी पहुंच सकते हैं और बुरे ढंग से भी। अब ये बात सही है दोस्तों, देखिए हम कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कोई बात बता रहे हैं और उसके अंदर अगर हमारा चेहरा जो है थोड़ा गुस्से में है, ठीक है, तो अगला सोचेगा कि नहीं ये मेरे को बात बताना नहीं चाह रहा, ये इसकी तो मजबूरी है, यानी कि उसको एक गलत कम्युनिकेशन गया है। तो जो चेहरे के हाव भाव है ये सारी चीज़ें ये व्यवधान डाल सकती हैं हमारे कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है। तो मेटा शब्द को हम एक मिनट मेटा शब्द को हम सूचना प्रौद्योगिकी प्रयोग में भी एक उपसर्ग की तरह उपयोग करते हैं, जिसका अर्थ है अंतरहीन परिभाषा या विवरण, यानी कि आंतरिक जो होता है इंटरनल कम्युनिकेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, मेटा कम्युनिकेशन कहते हैं, जिससे हमारा जो है कम्युनिकेशन प्रभावित होता हो। जैसे हमने ये बात की कि चेहरा है, चेहरे के हाव भाव है, उनसे हमारा जो कम्युनिकेशन है वो गलत हो सकता है। और आगे दोस्तों आगे हमारे पास पैरा लिंग्विस्टिक, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि जब हम बोलते हैं तो बोलने में जो अगर आवाज़ को कम कर दे, ज़्यादा कर दे, तेज़ तेज़ बोलने लगे तो उनसे भी हमारा ये पता चलता है कि जो व्यक्ति है वो किस स्वभाव का व्यक्ति है। अगर हम बहुत आराम से बात करें तो पता चलेगा कि जो व्यक्ति है वो बहुत ठंडे स्वभाव का है, और अगर जल्दी जल्दी बात करें तो उससे क्या होगा कि हमारा व्यक्तित्व अलग तरीके से नज़र आएगा। यानी कि जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसके अंदर स्वर का उतार चढ़ाव जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, पैरालिंग्विस्टिक संचार कहते हैं कम्युनिकेशन। और आगे आता है दोस्तों ओक्यूलिसिस के अंदर क्या होता है दोस्तों, संचार में नेत्र पलकों का प्रयोग करना। अब देखिए जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो अपनी आँखों का भी उपयोग करते हैं, तो उसके द्वारा आँखों के द्वारा जो कम्युनिकेशन किया जाता है उसे हम कहते हैं ओक्यूलिसिस कम्युनिकेशन कहते हैं। और आगे दोस्तों प्रोक्सिमिस, अब देखिए प्रोक्सिमिस का मतलब मैं बताता हूँ, स्थान का उपयोग, यदि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के निकट वाले कुर्सी पर बैठा हो तो इसका क्या अभिप्राय है। अब देखिए स्थान से अभिप्राय मैं बताता हूँ कि अगर कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है तो उसके पास कौन बैठ सकता है, या तो उनका मित्र बैठ सकता है या फिर उन्हीं की पोजिशन का कोई इंसान हो। अब वही बात आ रही है जैसे कि इसमें बताया कि प्रधानमंत्री के पास कौन बैठ सकता है, या तो कोई बहुत बड़ा आदमी हो वो बैठ सकता है या फिर उनके जान पहचान का आदमी बैठ सकता है। अब बिल्कुल जो नॉर्मल इंसान है वो उनके पास जाकर नहीं बैठेगा, तो इससे हमें उन दोनों के संबंध के बारे में पता चलता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रोक्सिमिस कम्युनिकेशन कहते हैं। आगे दोस्तों हैप्टिक्स, अब हैप्टिक्स होता है जो टच के द्वारा जो कम्युनिकेशन होता है उसे हम कहते हैं। अब इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया कि जैसे कि हमारा मित्र है उसको हम किस तरीके से बात करेंगे। और एक चीज़ और मैं बताऊं कि एक टच होता है बैड टच और गुड टच होता है, जो आप लोगों को शायद पता होगा कि जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे बच्चे, कई लोग उनको गलत नज़र से देखते, गलत तरीके से टच करते, तो उससे बच्चे को एकदम पता चल जाता है कि ये जो व्यक्ति मेरे को टच कर रहा है किस स्वभाव से ये टच कर रहा है, और हमें भी पता चल जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, हैप्टिक्स कम्युनिकेशन कहते हैं। और आगे दोस्तों ऑब्जेक्टिक, अब देखिए संचार में वस्तु आदि का प्रयोग करना, किसी वस्तु की ओर इंगित करना इत्यादि। अब देखिए हम संचार के अंदर किसी वस्तु की तरफ इशारा करके कहते हैं कि वो देख, वो चीज़, उस जैसी, यानी कि किसी वस्तु की तरफ इशारा करके कोई कम्युनिकेशन किया जाए तो उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेशन कहा जाता है। और आगे दोस्तों हमारे पास क्रोनमिक्स, क्रोनमिक्स के अंदर क्या होता है दोस्तों, समय का प्रयोग, किस समय क्या बात कहनी है। अब देखिए क्रोनमिक्स के अंदर क्या होता है कि जब हम समय का यूज करें, यानी कि क्या होता है कि कोई बात किस समय पे कहनी है, ये कई लोगों के अंदर खासियत होती है, उनको पता होता है कि कौन सी बात कब कहनी है कब नहीं कहनी, और वो बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन कर पाते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि बेमतलब के बेसमय के बात कहे जाते हैं, तो वो उनके लिए
प्रॉब्लम साबित हो सकती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, क्रोनोमिक्स कम्युनिकेशन कहते हैं। और आगे दोस्तों ऑल्फैक्टिक कम्युनिकेशन, अब देखिए गंध के द्वारा जो कम्युनिकेशन किया जाता है, जैसे सुगंध आ रही है तो उससे जो कम्युनिकेशन होता है उसे हम कहते हैं ऑल्फैक्टिक कम्युनिकेशन कहा जाता है। गंध, महक आदि का प्रयोग यदि कोई इत्र यूज़ करके आ रहा है यानी कि सेंट डाल के आ रहा है तो हम कहेंगे ये तो बड़ा फैशन वाला आदमी है भाई। और किसी में से अगर गंदी बदबू आ रही है तो हम ये कहेंगे कि यार ये व्यक्ति तो बड़ा ख़राब है यार, ये तो ये नहाता भी नहीं है, ये तो बड़ा गंदा है। ठीक है, तो इस तरीके से गंध के द्वारा जो या फिर महक के द्वारा जो कम्युनिकेशन किया जाता है उसे कहते हैं ऑल्फैक्टिक कम्युनिकेशन कहते हैं। अगला आता है दोस्तों हमारे पास गुस्ट्रिक। अब देखिए स्वाद के द्वारा, अब जैसे कि कोई हमारे लिए भोजन बना के लेके आया और वो स्वादिष्ट है तो हम कहेंगे यार बहुत अच्छा खाना है यार, ये तो बहुत अच्छा इंसान है, इतना बढ़िया खाना बनाया, यानी कि हमारी उसके बारे में एक राय बन गई, एक कम्युनिकेशन स्थापित हो गया। ठीक है, तो ये दोस्तों ये जो 16 टाइप में से 14 टाइप के कम्युनिकेशन है इनमें से एक क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और अगर आप ये PDF लेना चाहें तो दोस्तों आप ले सकते हैं, इसके लिए आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आगे देख सकते हैं दोस्तों अशाब्दिक संचार की विशेषताएँ। अब देखिए अशाब्दिक जो संचार होता है उसके अंदर भी काफ़ी तरह की विशेषताएँ होती है। अब देखिए इसमें से एक क्वेश्चन आया था कि जब कहीं पे लड़ाई हो रही हो या कुछ हो रहा हो तो उसके अंदर हम विश्वास योग्य किसे मानेंगे, तो उसके अंदर हम जिसके चेहरे के हाव भाव से हम पता कर सकते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन गलत बोल रहा है। हम कहते हैं ना कई बार हम अगले इंसान को देख के बता देते हैं भाई हम बता सकते हैं कि ये झूठ बोल रहा है गलत बोल रहा है, इसका तो चेहरा ही बता रहा है। तो उस दौरान क्या होता कि अशाब्दिक संचार काफ़ी विश्वसनीय माना जाता है। और इसमें और भी कई सारी बातें दी है दोस्तों, वो आप पढ़ सकते हैं। और आगे दोस्तों उद्देश्य और शैली के आधार पर संचार का वर्गीकरण। अब देखिए उद्देश्य के आधार पर फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है एक, और एक होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब देखिए फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, जैसे कि ऑफिस वगैरह में यूज़ किया जाता है और उसके अंदर नियम कानून होते हैं, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं फॉर्मल। औपचारिक कम्युनिकेशन कहते हैं, जैसे टीचर और एक बच्चे के बीच में होता है और उनके अंदर क्या होता है कि एक रूल रेगुलेशन और एक सभ्य तरीके से जो संचार किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब देखिए जैसे कि एक छोटा कर्मचारी है वो अपने बॉस से बात करेगा तो पॉइंट टू पॉइंट बात करेगा, फालतू की कोई बात नहीं करेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, फॉर्मल कम्युनिकेशन कहेंगे। ठीक है, और आगे हम देखते दोस्तों कि इनके अंदर फॉर्मल कम्युनिकेशन के काफ़ी तरह के लाभ है, ये आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। अगर ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे तो हमारी जो वीडियो वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और आगे दोस्तों हमारे पास इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब देखिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता और कोई रिस्पेक्ट वगैरह कुछ भी नहीं होता, उसके अंदर हमारी मर्जी होती है कि हमें किस तरह से कम्युनिकेशन करना है। अब देखिए जब जो दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं तो एक दूसरे को गाली भी निकाल सकते हैं, मजाक भी कर सकते हैं, कैसे भी बात कर सकते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहेंगे। ठीक है, और इसके अंदर भी काफ़ी तरह की बातें हैं वो आप देख सकते हैं, जैसे कि परिवार के बीच जो हम बात करते हैं वो इनफॉर्मल होती है, इनके अंदर कोई औपचारिक नियम वगैरह कुछ भी नहीं होता। और आगे देखते हैं कि आगे हमारे पास दिशा के आधार पर, अब देखिए दिशा के आधार पर किस तरह से कम्युनिकेशन होता है हमारा, एक होता है वर्टिकल, ठीक है, और एक होता है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल होता है ऊपर से लेके नीचे तक। अब देखिए ऊपर से लेके नीचे तक कैसे होता है, जैसे ऊपर बॉस बैठा है उसे कोई नियम बनाना है और नियम बना के उसे पूरी कंपनी में लागू करना है, तो बॉस क्या करेगा, अपने नीचे से नीचे जो व्यक्ति है उसको बात बताएगा, नीचे वाला फिर अपने नीचे से बताएगा और उससे नीचे वाला फिर उससे नीचे बताएगा, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ जो संचार होता है उसे हम कहते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन कहते हैं। और यह मूल रूप से औपचारिक संचार में होता है, यानी कि जो हमारी संस्थाएं वगैरह होती है, ऑफिस वगैरह होते हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उनके अंदर इस तरीके से होता है कि कोई नियम वगैरह होते हैं वो ऊपर से बनते हुए धीरे 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 नीचे आते हैं। ठीक है, यानी कि एक एक स्टेप करके चीज़ पहुंचाई जाती है, कम्युनिकेशन किया जाता है। और हॉरिजॉन्टल, अब देखिए हॉरिजॉन्टल के अंदर क्या होता है कि इस तरीके से समांतर होता है। समांतर के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जैसे कि दो चपड़ासी है,
या फिर दो एक सेम लेवल की पोस्ट पे काम करने वाले व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहेंगे। जैसे कि दो टीचर बात कर रहे हैं आपस में या दो क्लर्क बात कर रहे हैं, यानी कि अपनी पोजीशन के अनुसार दूसरे आदमी से बात करना वो क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, और आगे दोस्तों तिर्यक संचार। तिर्यक संचार के अंदर जैसे कि तिर्यक यानी कि तिरछा संचार, तिरछा संचार के अंदर क्या होता है दोस्तों कि एक हो सकता है बॉस डायरेक्टली जो निम्न स्तर का यानी कि जो एम्प्लॉय है उससे बात कर रहा है डायरेक्टली, तो उसे हम क्या कहेंगे, तिर्यक संचार कहेंगे। ठीक है, और अगर एक क्लर्क क्लर्क से बात कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल कहेंगे। और एक ऊपर से नीचे जो होगा उसे हम क्या कहेंगे, वर्टिकल कम्युनिकेशन कहेंगे। तो दोस्तों ये हमारे मुख्य रूप से कम्युनिकेशन के टाइप है। अब इसके अंदर एक और हमारा इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बच गया दोस्तों, वो इस नोट में मैं लिखना भूल गया लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ, वो होता है हमारा ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन होता है। अब देखिए ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा अंगूर का गुच्छा होता है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि एक अंगूर यहाँ पे, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो अलग अलग तरह से इस तरीके से गुच्छा होता है उसके अंदर अंगूर होता है। तो इसी तरीके से हमारा कम्युनिकेशन होता है, उसके अंदर क्या होता है कि जैसे कोई बात है, ठीक है, एक मिनट रुकिए, देखिए कोई बात है, इस इंसान ने इस इंसान को वो बात बताई, इस इंसान ने फिर इस इंसान को बता दी, और इसी इंसान ने फिर इसको बता दी, इसने फिर आगे बता दी, इसने फिर ऐसे बता दी, ऐसे बता दी, यानी कि एक गुच्छे के रूप में कम्युनिकेशन होता होना उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन कहते हैं। और इसे ये जो है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर आता है, इसके अंदर कोई नियम कानून कायदे नहीं होते, तो इसे हम क्या कहते हैं, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी कि बिखरा हुआ जो कम्युनिकेशन है, कभी किसी के पास बात चलेगी, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास चलेगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन कहते हैं। और इसमें से पहले क्वेश्चन आ चुका है कि ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन है वो किस तरह का कम्युनिकेशन है, इसके अंदर क्या होता है कि ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, इसके अंदर कोई नियम कायदे कानून लागू नहीं होते। तो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। और दोस्तों अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की बात समझ में नहीं आई है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। NTAUGNet यानी निमेजनेट, डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन बैरियर की, यानी कि संचार के अंदर क्या क्या बाधाएं आ सकती है उन्हीं के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आज तक आए हैं और आगे भी आने की संभावना है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देख। चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं कि संचार में प्रमुख बाधाएं किस किस तरह की आती है, कम्युनिकेशन बैरियर किस तरह के होते हैं और ये काफ़ी टाइप के होते हैं दोस्तों, ये सभी हमें समझना ज़रूरी है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कम्युनिकेशन बैरियर होता क्या है, इसका मतलब क्या है। अब देखिए जब हम किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसी से हम बातचीत कर रहे हैं, तो उस दौरान बीच में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि हम मान के चलते हम किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं, ठीक है, और उस दौरान साइड में से अगर कोई बाइक गुजर जाए और बहुत तेज़ आवाज़ हो उसकी, तो अगले को हमारी बात सही से नहीं सुनेगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन बैरियर कहेंगे। और इसी तरीके से मान के चलिए आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर और इस दौरान अगर नेट स्लो हो जाए, वीडियो रुक रुक के चलने लगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन बैरियर कहेंगे। और इसी तरीके से जब हम मान के चलिए किसी को लेटर लिख के भेजते हैं और वो लेटर अगर रास्ते में फट जाए, किसी कारणवश जल जाए या कुछ भी हो जाए, उसमें से आधी बात ही अगले तक पहुंचे और आधी ख़राब हो जाए, तो उसे भी हम क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन बैरियर कहेंगे। अब देखिए कम्युनिकेशन बैरियर किस किस तरह का हो सकता है इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, संगठनात्मक बाधाएं किस किस तरह की आ सकती है। अब देखिए इसके अंदर मुख्य रूप से ये है कि संगठन का आकार, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए अगर हमारी जो संस्था वो बहुत बड़ी होगी तो हम सभी लोगों के साथ अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ये एक इसमें प्रॉब्लम होती है। दूसरा है कर्मचारियों के बीच भौतिक दूरी, अगर कोई
दो कर्मचारी और उनके बीच में फिजिकल डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा दूर है, यानी कि एक दिल्ली रह रहा है और एक मान के चलते जयपुर रह रहा है, तो उनके बीच में थोड़ा कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल हम कह सकते हैं। और एक है कि दो व्यक्ति जो 2 किलोमीटर पर रहते हैं तो वो बहुत आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। जॉब स्पेशलाइजेशन, अब देखिए कोई बंदा हो सकता है कि मान के चलते कि संस्कृत का टीचर हो और कोई है इंग्लिश का टीचर, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज कह सकते हैं फिर जॉब स्पेशलाइजेशन कह सकते हैं वो दोनों की दोनों अलग है, ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी तरह की ऑर्गेनाइजेशनल जो बैरियर है वो यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इनको पढ़ना और अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आए तो वो आप हमें बताना। अब हम आगे देखते हैं कि आगे और किस तरह की बैरियर हो सकते हैं। अब देखिए भौतिक एवं यांत्रिक बाधाएं, अब देखिए फिजिकल और मैकेनिकल बैरियर किस तरह के हो सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या है कि यांत्रिक बाधाओं को पारस्परिक एवं जन संचार दोनों में शामिल किया जा सकता है। यांत्रिक बाधाओं के कुछ उदाहरण हैं जैसे रेडियो प्रसारण में बाधा, टीवी स्क्रीन पर धुंधलापन, यानी कि जो हमारी फिजिकल और मैकेनिकल यानी कि टेक्निकल जो चीज़ें हैं उनके अंदर किस तरह की बाधाएं हो सकती हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे टीवी स्क्रीन पे हम कुछ देख रहे हैं और उसमें कुछ धुंधलापन आ गया तो वो क्या होगा, हमारा फिजिकल बैरियर हम उसे कहेंगे। और इसी तरीके से जब हम कई बार आपने देखा होगा कि फ़ोन पे जब हम बात करते हैं तो चर 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 की आवाज़ आने लग जाती है, या फिर जो फ़ोन की आवाज़ है वो कटने लग जाती है, अगले के पास कट कट के पहुँचती है, तो वो क्या होती है, नेटवर्क प्रॉब्लम हम उसे कह सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है उसके अंदर, और देखते हैं और इसके अंदर क्या होता है। और जैसे टेलीफोन उपकरणों में अश्राव्यता, यानी कि वो बात मैंने आपको बता दी, और भी काफ़ी तरह की चीज़ें इसके अंदर हो सकती है। और देखते हैं जैसे पर्यावरण से संबंधित तनाव, जैसे कि मान के चलते हैं जब मौसम ख़राब होता है तो भी हमारा जो है कम्युनिकेशन ख़राब होने लग जाता है, टीवी ख़राब चलने लगता है और इंटरनेट पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है कई बार, तो ये सारी चीज़ें होती हैं पर्यावरण के अंदर। और कई बार क्या होता कि व्यक्तिगत निष्ठा तनाव, यानी कि व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होता तो भी जो संचार है वो बहुत अच्छे से नहीं हो पाता, अगर वो नींद की अवस्था में है तो सही से नहीं कर पाएगा। प्राप्तकर्ता के माध्यम से अपरिचित होना, यानी कि अब हमें नहीं पता कि जो अगला व्यक्ति वो किस माध्यम का यूज़ कर रहा है। अब देखिए मैं आपको रियल एग्जांपल देता हूँ, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, ये वीडियो अगर आप फ़ोन पे सुनोगे तो बहुत अच्छी आपको दिखाई देगी, सुनाई देगी, लेकिन यही वीडियो अगर आप लैपटॉप पे देखोगे तो इसकी जो आवाज़ है वो थोड़ी सी कम आनी स्टार्ट हो जाएगी, तो मुझे नहीं पता कि आप कहाँ पे देख रहे हैं, तो ये भी प्रॉब्लम होती है। और दूसरी बात हम करते हैं, जैसे मान के चलते हैं कि किसी व्यक्ति को हम कहें कि आपका इंटरव्यू लेना है या आपसे कुछ बात करनी है और मैं उसको कहूँ कि आपको स्काइप पे आना है, ठीक है, लेकिन अगला इसके बारे में नहीं जानता तो इससे भी क्या होगा, हमारा इससे कम्युनिकेशन बैरियर उत्पन्न होगा। और आगे देखते हैं हम दोस्तों, आगे है हमारा मानसिक अवरोध या बाधाएं, मानसिक और साइकोलॉजिकल बैरियर किस तरह से हो सकते हैं। अब देखिए सबसे पहला आता है व्यक्ति विशेष संदर्भ, फ्रॉम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इसके अंदर क्या होता है, देखिए हर जो इंसान है उसका एटीट्यूड, उसके सोचने समझने का तरीका, उसकी संस्कृति है वो सभी अलग हो सकती है। अब देखिए हर व्यक्ति के आदर्श, यानी कि किस चीज़ को वो मानता है, उसकी वैल्यू क्या है, उसमें किस चीज़ में उसकी आस्था है, किस में वो बिलीव करता है, ये सभी चीज़ें भी निर्भर करती है। किन्हीं भी दो व्यक्तियों का संदर्भ एक समान नहीं हो सकता, समय के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। अब देखिए हम सोचते हैं कि इस व्यक्ति को यार बहुत नॉलेज है, ठीक है, हमारे दिमाग में एक बात बैठ जाती है, ये जो इंसान है बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि इस समय उसकी नॉलेज अच्छी हो लेकिन 5 साल बाद में उसमें जो है इंक्रीजमेंट ना हुआ हो, तो ये व्यक्ति विशेष बाधाएं भी हो सकती है। और इसके अंदर क्या है, आगे देखते हैं आत्म छवि या स्वत धारणा। अब देखिए कई बार हम किसी को कुछ चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं, जैसे अब एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर मैं किसी को कहूँ भाई भगवान नहीं होता, ठीक है, लेकिन अगला व्यक्ति अगर ये मान के बैठा भी भगवान होता है
तो चाहे उसे हम कितना भी समझा ले, कुछ भी कर ले, वो मानने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसने आत्म छवि स्वत धारणा यानी कि खुद एक बात वो अपने अंदर बैठा रखी है। ठीक है, तो उस दौरान क्या होगा कि कम्युनिकेशन बैरियर होगा, जो हम बात उसे समझाना चाह रहे हैं वो बात वो कभी नहीं समझेगा। अगला है दोस्तों अनुभव क्षेत्र, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। अब देखिए, विज्ञान के छात्र को शायद हिंदी साहित्य की बातें अच्छी तरह से समझ में ना आए, ये बात भी है कि जिस व्यक्ति को जिस चीज़ का ज़्यादा ज्ञान है, ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो उस चीज़ को बहुत जल्दी कैच करेगा, लेकिन जिसका जिसको ज्ञान नहीं है जिस फील्ड का, उसकी बातें उसको अच्छे से समझ में नहीं आएगी, ये चीज़ें भी होती हैं। आगे दोस्तों हमारे पास संज्ञानात्मक मतभेद यानी कि कॉग्निटिव डिफरेंस। अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर हम बताते हैं आपको। संज्ञानात्मक को हम ज्ञान संबंधी भी कह सकते हैं, यदि हमारी सोच या ज्ञान में कोई मतभेद हो तो उसको संज्ञानात्मक मतभेद कहा जाता है। ये भी हम कह सकते हैं कि जो हमारी नॉलेज है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक शरारती छात्र रैगिंग के विरुद्ध पोस्टर के अर्थ एवं उद्देश्य को अच्छी तरह से समझता है, चाहे उसकी प्रतिक्रिया उतनी अनुकूल न हो। अब देखिए, जो व्यक्ति जिसके खिलाफ हो, अब जैसे हम मान के चलते हैं कि स्कूल कॉलेज के अंदर आजकल रैगिंग है वो बंद कर दी गई है, जो व्यक्ति उसके पक्ष में होगा यानी कि जो चाहता वही रैगिंग होनी चाहिए, तो उसको वो बातें अच्छी नहीं लगेगी, और जो व्यक्ति चाहेगा कि ये रैगिंग है ये बंद होनी चाहिए, उसको वो बात बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से है। और आगे देखते हैं मानसिक डर या बचाव की मुद्रा में। अब ये देखिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आया है पहले, इसका मतलब हम समझते हैं। अब देखिए, कई बार क्या है कि इंसान अपने बचाव के लिए यानी कि अपने बचाव के लिए डर जाता है, उस टाइम उसका जो कम्युनिकेशन है वो डिफरेंस हो सकता है, उसका जो फर्क आ सकता है उसकी बातों में। अब देखिए, इसके अंदर हम समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, जैसे मान के चलते कि क्लास के अंदर किसी ने कुछ चीज़ तोड़ दी और टीचर क्लास के अंदर आए और एक शरीफ बच्चा है उसको उठा के पूछे, भाई हाँ बता किसने ये किया, तो वो हो सकता कि डरते डरते कह दे कि नहीं सर, नहीं 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 मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया सर। तो वो बचाव के लिए कर रहा है ऐसा, लेकिन सर क्या सोचेंगे, टीचर क्या सोचेगा, ये तो ज़्यादा अपनी तरफदारी कर रहा है, ये तो बहुत बचने की कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है ये काम इसी ने किया है। तो वो क्या है कि वो शक के घेरे में आ जाएगा, शक के दायरे में आ जाएगा, उस पर ज़्यादा शक होगा और उसी को टीचर सोचेगा ये काम इसने किया है। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहें तो बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स देते हैं, थ्योरेटिकल वीडियोस देते हैं, इसके साथ साथ 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर देते हैं विद टॉपिक वाइज क्वेश्चन। जैसे कि आज तक रिसर्च के क्वेश्चन आ चुके हैं वो हमने अलग रखे हैं, टीचिंग के क्वेश्चन अलग रखे हैं, कम्युनिकेशन के अलग रखे हैं, इस तरीके से सभी 10 यूनिट के जो क्वेश्चन हैं आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको सभी 10 यूनिट के लाइव मॉक टेस्ट देते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से जब पुलिस के अंदर भी जाते हैं तो पुलिस को भी जब हम ज़्यादा जितनी ज़्यादा हम क्लैरिफिकेशन देंगे, नहीं सर मैं तो नहीं था, मैंने नहीं किया, ये है वो है, तो हो सकता है कि पुलिस को हम पे ज़्यादा शक होने लगे। तो इसे हम कहते हैं यानी कि शक या फिर डर या बचाव की मुद्रा भी हमारे में कम्युनिकेशन बैरियर हो सकती है। आगे हम देखते हैं चयनात्मक धारणा। अब ये देखिए दोस्तों, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से जून 2019 में से क्वेश्चन आया है। अब सबसे पहले इसे समझने की कोशिश करते हैं। चयनात्मक धारणा, सिलेक्टिव परसेप्शन क्या होती है? यह एक तरह का पूर्वाग्रह ही है, हम ऐसे उद्दीपनों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो हमारी पूर्व मान्यताओं के विरुद्ध हो। अब देखिए, इसके अंदर क्या होता है कि किसी व्यक्ति को लेकर हमारी पहले से ही अवधारणा बनी हुई होती है कि ये व्यक्ति इस तरह का है, ये ऐसा है। ठीक है, अब जैसे कई बार कहते हैं ना गाँव के अंदर या फिर स्कूल के अंदर कोई टीचर कहता है कि वो जो लड़का है ना वो तो बहुत अच्छा लड़का है, वो तो कभी गलत कर ही नहीं सकता, वो तो बहुत होनहार बच्चा है, ऐसे है वैसे है। ठीक है, लेकिन अगर किसी दिन वो लड़का गलत कर देता है तो वो टीचर मानने को तैयार ही नहीं है, वो तो कहते नहीं वो तो ऐसा कर ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता वो ऐसा कर सकता है, नहीं वो नहीं कर सकता ऐसा, यानी कि वो नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन टीचर के अंदर पहले ही अवधारणा बनी हुई है किसी स्टूडेंट को लेकर, भाई ये लड़का सही है ये या फिर ये लड़का गलत है, तो वो
अपनी अवधारणाओं के अनुसार ही रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं, और यही अवधारणा जो है कम्युनिकेशन बैरियर होती है। और ये क्वेश्चन दोस्तों अभी जोन 2019 के अंदर आया है, आप ध्यान में रखना। और आगे दोस्तों, आगे फिल्टरिंग, अब देखिए फिल्टरिंग भी कुछ कुछ ऐसा ही है। अब देखिए फिल्टरिंग के अंदर क्या है कि कई चीज़ें जो हम अच्छा मानते हैं कोई गलत मानते हैं, जैसे हम बुक पढ़ते हैं ना, बुक पढ़ते हैं उसके अंदर क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी देखते हैं, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, हाँ ये चीज़ ठीक है ये कर लेते हैं, ये चीज़ है ये ठीक है ये कर लेते हैं, और ज़्यादातर चीज़ों को हम स्किप करते चलते फिल्टर करते चलते हैं, और हो सकता है उस फिल्ट्रेशन के अंदर कोई इम्पोर्टेंट चीज़ छुपी हो, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन बैरियर कहेंगे। और आगे दोस्तों हमारे पास भाषाई एवं सांस्कृतिक बाधाएं, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल बैरियर। अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, अब देखिए अर्थ संबंधी अवधारणाएं, अब इसके अंदर मैं आपको बताऊं, वर्तमान समय में अत्याधुनिक संचार माध्यम ईमेल, ईफैक्स, ई प्रिंट इत्यादि का यूज किया जाता है। अब हम मान के चलते कि कोई इंसान है वो हो सकता है कि जो बोलने वाली भाषा है फ़ोन पे ज़्यादा अच्छे से समझ पाए, ठीक है, लेकिन अगर उसे कोई चीज़ हम ईमेल करेंगे तो हो सकता है वो अच्छे से ना समझे उस चीज़ को, तो वो क्या हो गया, अर्थ संबंधी अवरोध हो गया, यानी कि वो चाहता है कि उसे बोल के कोई चीज़ समझाई जाए, लेकिन अगर हम उसे ईमेल भेजें तो हो सकता है उसे 70% चीज़ें वो समझ में आए, तो इसे हम कहेंगे अर्थ संबंधी अवरोध, यानी कि जिस अर्थ में वो समझना चाह रहा है उस अर्थ में हम उसे नहीं समझा रहे, तो ये होगा। और आगे दोस्तों हमारे पास उच्च प्रसंग या निम्न प्रसंग, हाई और लो कंटेंट। अब इसके अंदर क्या होता है, एक मिनट रुको, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, यदि हम कोई बात करके लंबी चौड़ी भूमिका बांधे तो उसको संदर्भ कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये, थोड़ा दूसरे देशों का उदाहरण दिया है, इसका मैं एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए कई लोग क्या होते हैं कि कोई बात बताने के लिए उसकी भूमिका बनाते हैं, उसके बैकग्राउंड के बारे में जिक्र करते हैं, उसमें एग्जांपल वगैरह देते हैं, ठीक है, तो वो क्या है कि वो बात हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे तो जो बिल्कुल डायरेक्ट बात कह देते हैं और वो हमें अच्छे से समझ में नहीं आती, तो इसे हम कहते हैं उच्च प्रसंग या निम्न प्रसंग, हाई और लो कंटेक्स्ट, ठीक है। तो यानी कि जो लोग भूमिका बना के बात करते हैं, एग्जांपल दे के बात करते हैं, तो वो अच्छे से समझ में आते हैं, और जो लोग बिल्कुल भी एग्जांपल ना दे तो वो क्या है कि हमें कम समझ में आएगी, तो इसे भी हम एक तरह का कम्युनिकेशन बैरियर कहेंगे। और आगे दोस्तों हमारे पास क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन, पार सांस्कृतिक संचार। अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि जब संचार में अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के से लोगों के संवाद में क्या भिन्नताएं आए, समानताएं आए। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, जब हम मान के चलते कि अलग अलग संस्कृति के लोग आके एक दूसरे से बात करें, अब हम मान के चलते हैं एक आ गया गुजराती व्यक्ति आ गया, और एक हरियाणवी व्यक्ति आ गया, और एक बंगाली व्यक्ति आ गया, ये तीनों के तीनों जब बात करेंगे तो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, और दूसरी तरफ एक गुजराती और गुजराती जब गुजराती से बात करेगा तो बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जब बंगाली से बात करेगा तो बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन हो पाएगा, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सांस्कृतिक बैरियर उसे हम कहेंगे। और आगे दोस्तों भाषा का अल्प ज्ञान होना, ये भी उसी तरीके से दोस्तों, जब हम मान के चलिए हम पंजाब के अंदर चले जाए और पंजाब के अंदर हम किसी को एड्रेस पूछे, तो वो जो पंजाब के जो लोग होंगे, गांव के जो लोग होंगे, तो वो पंजाबी के अंदर बात करेंगे, लेकिन वो चीज़ हमें समझ में नहीं आएगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, भाषा का अल्प ज्ञान होना, ठीक है। तो ये क्या होगा, अनसफिशियंट नॉलेज ऑफ नॉलेज लैंग्वेज, तो इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, भाषा का अल्प ज्ञान होना, यानी कि भाषाई अवरोध हम इसे कहेंगे। आगे दोस्तों सांस्कृतिक भिन्नताएं, कल्चरल डिफरेंस, अब ये बात भी मैंने आपको बताई है। अब देखिए इसके अंदर क्या होता कि हो सकता है कि गुजरात के अंदर दीपावली को किसी और तरीके से बनाते हो, हरियाणा के अंदर जो दिवाली है वो किसी और तरीके से बनाते हो, तो इनके अंदर भी ये सांस्कृतिक मूल्य मान्यताएं जो है वो भी अलग अलग हो सकते हैं, इसी बेस पे भी जो कम्युनिकेशन है वो डिफरेंस हो सकता है। अब हम मान के चलते हैं कि गुजरात का कोई व्यक्ति यहाँ पे आ जाए और हम दीपावली बना रहे हैं,
और वो हमें देखे कि अरे यार ये तो गलत तरीके से बना रहे हैं, और वो हमें समझाना चाहे और हम उसे कन्विंस करने की कोशिश करें, तो ये सभी जो बैरियर उत्पन्न हुआ ये किस तरह से हुआ, सांस्कृतिक भिन्नता के कारण ये उत्पन्न हुआ। आगे तकनीकी भाषा का ज्ञान न होना, अब इसे भी हम इसे कहेंगे कि टेक्निकल नॉलेज की हम बात इसे कह सकते हैं। अब देखिए टेक्निकल चीज़ के अंदर हम किसी को सी लैंग्वेज समझाए, HTML समझाए, यानी कि वेब डेवलपमेंट वगैरह कुछ समझाए, तो उनकी वो टेक्निकल भाषा हो सकती है। लेकिन दूसरे व्यक्ति को जिसे हम समझाना चाह रहे हैं कि वेबसाइट कैसे बनती है, अब जैसे मैं आप लोगों को समझाने लगूँ कि वेबसाइट कैसे बनती है, उसके अंदर HTML का यूज़ करते हैं, कोड यूज़ किया जाता है, CSS यूज़ किया जाता है, तो आप लोगों को वो अच्छे से समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आप लोगों को टेक्निकल नॉलेज की जानकारी नहीं है ज़्यादातर दोस्तों को, तो इसे हम क्या कहेंगे, टेक्निकल बैरियर कहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के हमारे मुख्य रूप से कम्युनिकेशन बैरियर, और इनमें से काफ़ी तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं। और एक चीज़ और दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करनी भूल गया, मैं बता देता हूँ, जो भाषा के द्वारा जो हमारा कम्युनिकेशन बैरियर होता है उसे हम एंट्रोपी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पहले आया था, ये इसमें मैं लिखना भूल गया, यानी कि भाषा के द्वारा जो कम्युनिकेशन बैरियर उत्पन्न होता है उसे हम एंट्रोपिकल बैरियर कहते हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, और कमेंट भी किया करें ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी जो वीडियो कितनी अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है, कैसी लग रही है, जो भी विचार है वो हमें बताएं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन जरूर दबाइए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों। NTAUGCNET यानी निमेजीनेट, डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन के बारे में कि हम किस तरह से इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और इसमें से बहुत से क्वेश्चन आए हैं दोस्तों और आगे भी आने की संभावना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना क्योंकि इसमें से बहुत से क्वेश्चन आते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन की, ये हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। देखिए क्लासरूम कम्युनिकेशन के अंदर जो सबसे पहली बात आती है कि हमारा जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, और इसमें से दोस्तों पहले भी दो बार क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है। देखिए जो हम क्लासरूम कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र, अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसे कॉग्निटिव डोमेन हम कहते हैं। देखिए इसका सिंपल भाषा में मतलब क्या है कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो इस तरह का होना चाहिए कि बच्चे के अंदर ज्ञान बढ़े, उसमें समझ बढ़े, उसमें आवेदन विश्लेषण संश्लेषण करने की क्षमता बढ़े। देखिए इसका मतलब क्या है कि बच्चे के अंदर आर्ग्यूमेंट करने की क्षमता है वो विकसित हो, बच्चे को अगर कोई बात बताई जाए तो वो उस पर समझे, सोचे समझे, और अगर कोई बात उसे समझ में ना आए तो वो आर्ग्यूमेंट करे टीचर के साथ कि टीचर ये बात इस तरह से भी हो सकती है या नहीं हो सकती, यानी कि उसके ऊपर अच्छे तरीके से विचार करे, तो इस तरह की जो बातें होती है उसे हम कहते हैं संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र कहते हैं, कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना, इसका मुख्य उद्देश्य हमारे क्लासरूम कम्युनिकेशन का होता है संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र में बढ़ावा देना, और भी कई चीज़ें यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए बात ये आती है कि जो क्लासरूम कम्युनिकेशन होते हैं उसके अंदर मुख्य किन बातों का ध्यान रखना होता है एक टीचर को। अब देखिए सबसे पहली जो बात है वो हम करते हैं शिक्षार्थी में रुचि पैदा करना। अब टीचर का सबसे पहला काम ये है कि उसको इस तरह से कम्युनिकेट करना चाहिए कि जो स्टूडेंट है उनको इंटरेस्ट आए, पढ़ने में मज़ा आए, अगर मज़ा आएगा तभी वो अच्छे से पढ़ पाएगा, और अगर क्लास में अगर ऐसे ही बोरियत सा माहौल होगा तो क्या होगा कि बच्चे को नींद आएगी और वो अच्छे से नहीं पढ़ पाएगा, उसका ध्यान है वो इधर उधर भटकेगा, तो इन चीज़ों का हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है। यही बातें हमने इस नोट्स में लिखी हुई है, आप इस नोट्स में ये बातें पढ़ सकते हैं। और देखिए इसके अंदर क्या होता है कि कई चीज़ें जैसे यहाँ पे लिखी हुई कि शिक्षक जानबूझकर नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करके भी छात्रों में रुचि पैदा कर सकता है, मैं नहीं जानता। अब देखिए कई बातें ऐसी होती हैं हम नेगेटिव कह देते हैं भी, देखो मुझे इसके बारे में नहीं पता, आप बताइए स्टूडेंट में से आप में से कोई बताइए कि इस सवाल का जवाब क्या होगा, मुझे नहीं पता, इस तरह की बातें कह के हम उनमें रुचि पैदा कर सकते हैं। रुचि पैदा करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं।
और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है हमारे पास विषय वस्तु को संगठित करना, ऑर्गेनाइज कंटेंट मैटर। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि पाठ्य पुस्तक को तर्क संगत ढंग से संरचित करना, उसको एक कहानी के रूप में प्रस्तुत करना, तत्पश्चात समस्या को सामने रखना। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि कोई भी बात समझाने के लिए ऐसे नहीं है कि हम डायरेक्टली कोई बात कह दें, उसके लिए ये है कि हमें उससे रिलेटेड कोई कहानी बतानी चाहिए, कोई एग्जाम्पल देना चाहिए, और अगर हमारे पास कोई डेमो हो या कोई वीडियो हो तो वो हमें दिखानी चाहिए। यानी कि उससे संबंधित जितना भी हमारे पास मैटर है वो इकट्ठा करना चाहिए, जिससे बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा समझ में आ सके। तो इसलिए ये ज़रूरी है ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट मैटर। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे है हमारे पास उद्देश्य में अनुरूप पुनरावलोकन। अब रिव्यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, प्रमुख विचारों और अवधारणाओं को दोहराना, छात्रों के उनके महत्व पर बल देना, मुख्य बिंदुओं और विपरीत विचारों की संक्षेप में एक दूसरे के साथ तुलना करना। इसका मतलब ये है दोस्तों कि देखिए कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती है, तो उन चीज़ों को हमें क्लास के अंदर बार बार दोहराना चाहिए, उनको बार बार रिलेट करना चाहिए। अब जैसे मान के चलिए कि हमने कुछ बात बता दी, ठीक है, और फिर हम कहीं घूमने जा रहे हैं बच्चों के साथ, तो वहाँ पे अगर हमें उसका एग्जाम्पल मिले उसी चीज़ से रिलेटेड, तो वो हमें बताना चाहिए कि ये देखो उस दिन मैंने आपको ये बात बताई थी ना, ये बात इस बात से रिलेटेड है, इस चीज़ से रिलेटेड है। इस तरीके से हमें उसको रिलेट करके चलना चाहिए, उसको रिव्यू करना चाहिए, बार बार दोहराना चाहिए, ताकि बच्चे के दिमाग में वो चीज़ें अच्छे से बैठ जाए। तो ये होता है रिव्यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव। और आगे है दोस्तों प्रतिपुष्टि। ये देखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अब देखिए प्रतिपुष्टि का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम क्लास के अंदर पढ़ा रहे तो बच्चों से पूछना चाहिए कि क्या आपको समझ में आया नहीं आया, और बच्चों को कहना चाहिए कि आपको नोट्स बनाने चाहिए, और पूछना चाहिए कि किस किस ने होमवर्क किया है या नहीं किया, यानी कि उनको सभी तरह से बातें पूछनी चाहिए, फीडबैक लेना चाहिए कि क्या हमने आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आया या नहीं आया। और भी कई तरह के फीडबैक हो सकते हैं, जैसे कि कोई बच्चा है वो खिड़की से बाहर देख रहा है तो हमें पूछना चाहिए भाई बाहर क्यों देख रहा है। अगर हम उससे पूछेंगे तो वो बच्चा क्या कि आगे से बाहर देखने की बहुत कम कोशिश करेगा। तो इस तरीके से हमें फीडबैक लेते रहना चाहिए, और हमारी जो पढ़ाने का तरीका है उसमें भी फीडबैक लेना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि क्या हम जो पढ़ा रहे वो सही पढ़ा रहे गलत पढ़ा रहे क्या है, ये सभी बातें हमें पूछनी चाहिए। फीडबैक का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अंदर कई तरह की बातें हैं दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं, अगर एक एक बात में पढ़ने लग गया तो ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। और आगे दोस्तों प्रभावी कक्षा संचार के सिद्धांत। अब देखिए ये सिद्धांत हमें पता होना चाहिए, इनमें से भी क्वेश्चन आए हैं। अब देखिए इसके अंदर मुख्य रूप से चार तरह के सिद्धांतों में हम इसको बांट सकते हैं। सबसे पहला शिक्षकों के लिए, टीचर के लिए सिद्धांत क्या है। मैसेज डिज़ाइन, जो हम मैसेज दे रहे हैं उसके लिए क्या सिद्धांत है। शिक्षण विधि, अनुकूल शिक्षण वातावरण के लिए क्या सिद्धांत है, ये हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। शिक्षकों के लिए सिद्धांत क्या है। अब देखिए इसके अंदर क्या है कि एक मिनट रुके, अब इसमें है एक यथार्थवादी आत्म अवधारणा और आसपास के वातावरण के बारे में संवेदनशील होना। अब इसके अंदर क्या है दोस्तों कि हमें हमने जो धारणाएं बना रखी है उसको जानने का प्रयास करना चाहिए, वास्तव में स्वीकार करना चाहिए कि रियलिटी में क्या है। अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था एक चीज़ कि हम कई बार अवधारणा बना लेते कि ये जो बच्चा ये बहुत अच्छा बच्चा है, और अगर कोई बच्चे कोई स्टूडेंट या कोई और आके हमें कहे कि ये बच्चा इसमें ये कमी है, और उसकी बातों को हम नकार देते हैं क्योंकि हमने उसके बारे में पहले अवधारणा बनाई हुई है। तो अवधारणाओं को हमें तोड़ देना चाहिए, हमें सही तरीके से सोचना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है। ये चीज़ हमारी शिक्षा पर भी लागू होती है। दोस्तों अगर आप चाहें तो बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स देते हैं, थ्योरेटिकल वीडियोस देते हैं, इसके साथ साथ 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर देते हैं विद टॉपिक वाइज क्वेश्चन। जैसे कि आज तक रिसर्च के क्वेश्चन आ चुके हैं वो हमने अलग रखे हैं, टीचिंग के क्वेश्चन अलग रखे हैं, कम्युनिकेशन के अलग रखे हैं। इस तरीके से सभी 10 यूनिट के जो क्वेश्चन हैं आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको सभी 10 यूनिट के लाइव मॉक टेस्ट देते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए।
अब जैसे कोई कॉन्सेप्ट है उसे हम समझते कि ये चीज़ इस तरीके से होती है, नहीं वैसे नहीं, आप अच्छे तरीके से सोचने समझने की कोशिश कीजिए। यानी कि हमने जो अवधारणा बना रखी है, अपना बिलीव जो बना रखा है, उससे परे हट के भी सोचने की कोशिश करनी चाहिए। और आगे देखते हैं, विषय वस्तु में दक्षता का विकास, डेवलप प्रोफिशिएंसी इन सब्जेक्ट मैटर। अब हम जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं, जो विषय पढ़ा रहे हैं, उसके अंदर हमारी अच्छे से पकड़ होनी चाहिए। और अगर हमें ज़रूरत पड़े तो टाइम टू टाइम समय के अनुसार हमें उसमें विकास भी करना चाहिए। नई नई चीज़ें आ रही हैं, उनको हमें सीखना चाहिए। जैसे आज के समय में हमारे पास फेसबुक है, ट्विटर है, और इन चीज़ों का हमें ज्ञान होना चाहिए। जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब का हमें ज्ञान होना चाहिए, और जो टीचर है उसको बताना चाहिए कि अच्छा कंटेंट आपको और कहाँ से मिल सकता है, और उसे खुद में भी इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। और आगे शिक्षार्थी को समझना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों टीचर के लिए। अंडरस्टैंड द लर्नर, जो बच्चा पढ़ रहा है उसे हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि उसके उसकी थिंकिंग क्या है, और वो किस तरह से पढ़ रहा है, उसका वातावरण क्या है, यानी कि उसके घर की कंडीशन कैसी है। तो ये सारी चीज़ें हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना ज़रूरी है। और जितना ज़्यादा हम बच्चे को समझ पाएंगे, उतना ज़्यादा हम अपने टीचिंग को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। प्रभावी संचार कौशल, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। अब ये देखिए, ये चीज़ भी होती है, जो टीचर होता है, कई टीचर होते हैं कि बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ाएंगे, कई टीचर होते हैं कि हंसी मजाक में पढ़ाएंगे, जिससे बच्चे खेलते रहते हैं। यानी कि खेलने का मतलब उन्हें मज़ा आता रहता है जब वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रभावी संचार कौशल का होना भी बहुत ज़रूरी है। अब आगे दोस्तों हमारे पास शिक्षा विज्ञान यानी कि पेडागोजी और छात्र केंद्रित दृष्टिकोण, इन दोनों के सम्मिश्रण से कक्षा संचार को प्रभावी बनाया जा सकता है। अब इसका मतलब ये है दोस्तों, जैसे मैंने पहले टीचिंग की वीडियो में बताया था कि शिक्षक केंद्रित क्या होता है, जिसके अंदर शिक्षक ही सब कुछ निर्धारित करता है, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, ठीक है। और छात्र केंद्रित वो होता है जिसमें छात्रों का इन्वॉल्वमेंट होता है, छात्रों से हमें पूछना चाहिए कि आपको कौन सा लेसन पढ़ाना चाहिए, कौन सी यूनिट का कौन सा जो पार्ट है वो हमें शुरू करना चाहिए। तो छात्रों की भी इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो अच्छा कम्युनिकेशन कब प्रभावी होगा, जब शिक्षक और छात्र दोनों मिलके रणनीति तैयार करेंगे, तो वो तब हमारी शिक्षा बहुत अच्छी होगी। आगे दोस्तों, शिक्षक का वस्तुनिष्ठ और कर्तव्यनिष्ठ। अब देखिए, ये चीज़ हमारी लागू होती है, जो सरकारी स्कूल है उसके ऊपर ज़्यादा लागू कह सकते हैं। अब जो हमारा टीचर है उसको अपना कर्तव्य पता होना चाहिए कि मेरा कर्तव्य क्या है। अब देखिए, ज़्यादातर हम सरकारी स्कूलों में क्या देखते हैं कि जो टीचर है वो अच्छे से नहीं पढ़ाते। कई बार मैंने सुना है, पर्सनली सुना है, कि जो सरकारी स्कूल के टीचर है वो कई बार ये कह देते कि आज मेरा पढ़ाने का मूड नहीं है, आज मैं नहीं पढ़ाऊँगा। तो इस तरह से बहुत सारी वो बातें करते, लेकिन उनको कर्तव्य समझना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या है। सरकार हमें इतने 60-70 हज़ार रुपए दे रही है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसके बदले में अच्छी एजुकेशन दें, ऐसे बहानेबाजी ना करें। तो उनको अपना कर्तव्य पता होना चाहिए शिक्षकों को। और आगे दोस्तों, संदेश नियमित करने के सिद्धांत। अब इसके अंदर देखते हैं दोस्तों, इसके अंदर किस तरह से हैं। अब देखिए, इसके अंदर मुख्य रूप से एक शब्द का यूज़ किया जाता है, स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब होता है, एस का मतलब होता है स्पेसिफिक, विशिष्ट, यानी कि विशेष कोई चीज़ हमें बतानी है। और एम मेजरेबल, यानी कि जो चीज़ हम बता रहे हैं उसको सही तरीके से काउंट कर सके, जिसको अच्छे तरीके से समझ सके बच्चे कि हम क्या बता रहे हैं। मेजरेबल का मतलब ये होता है। अचीवेबल, और ऐसी हमें चीज़ बतानी है जो बच्चा अचीव कर सके, जो समझ सके। हमें क्लास में ऐसी बात नहीं बतानी जो बिल्कुल बच्चा समझ ही ना सके, जो बिल्कुल उसके परे बात हो, वो नहीं बतानी। हमें ऐसी बात बतानी है जो अचीवेबल हो। और आगे रिलास्टिक, यथार्थवादी, यानी कि जो यानी कि सही रूप से सही मायने में लागू होती हो, वो चीज़ हमें बतानी है। हमें काल्पनिक चीज़ें ऐसी नहीं बतानी कि जो कहीं अस्तित्व के अंदर ना हो। हमें ऐसी चीज़ें बतानी है जो अस्तित्व के अंदर, हमारे नेचर के अंदर कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती हो। टाइम फ्रेम, निर्धारित समय सीमा, जो हम टाइम लेके चल रहे हैं उसके अंदर वो हमारा सिलेबस है, हमारी टीचिंग है, वो कम्प्लीट होनी चाहिए। ये नहीं है कि हम एक टॉपिक को ले लिया, वो एक दिन में पढ़ाना चाहिए, लेकिन 10 दिन उस पर लगा रहे हैं। ऐसे करेंगे तो हमारा जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा।
ठीक है। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे भी कई तरह की चीज़ें हैं, जैसे प्रॉपर सीक्वेंस जो हम पढ़ा रहे हैं उसकी सही सीक्वेंस होनी चाहिए, कि पहले क्या पढ़ाना, फिर क्या पढ़ाना, फिर क्या पढ़ाना। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल बगैर सीक्वेंस से हमें नहीं चलना चाहिए। सुबोध भाषा का प्रयोग, अब देखिए हमें जो भाषा जो यूज़ कर रहे हैं वो ऐसी होनी चाहिए जो सभी को समझ में आ सके, कठिन भाषा का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। उचित प्रतीक, हमें ऐसे सिंबल का यूज़ करना चाहिए जिससे बच्चे आसानी से समझ सके। अब देखिए कई तरह की चीज़ें ऐसी हो सकती है कि जो सिंबल हम, जैसे हम इसमें बात की है ट्रैफिक लाइट की, हो सकता है कि जो सिंबल हम ट्रैफिक लाइट के इंडिया में यूज़ करते हैं वो अमेरिका में यूज़ ना किए जा रहे हो, जापान के अंदर कोई और सिंबल यूज़ किए जा रहे हो, तो जापान के जो सिंबल है वो हम इंडिया में यूज़ नहीं कर सकते बच्चों के सामने। तो हमें ऐसे प्रतीकों का यूज़ करना चाहिए जो हमारे इंडिया में ज़्यादा प्रचलन में हो, जिनको ज़्यादा बच्चे अच्छे से समझ सके। आगे दोस्तों प्रासंगिक अभ्यास, रिलीवेंट प्रैक्टिस। अब इसके अंदर क्या होता है, यह विद्यार्थियों के कक्षा में मानसिक सत्र के अनुरूप दिया जा सकता है। जो हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं दोस्तों वो ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे आसानी से कर सके। ऐसे नहीं है कि हमें बहुत कठिन प्रैक्टिस नहीं देनी चाहिए, हमें बच्चों को, वही बात है, सबसे पहले हमें बच्चों को समझना चाहिए कि बच्चे की क्षमता क्या है, किस तरह से वो कर सकते हैं, उनकी योग्यता क्या है, उसी के अनुसार हमें उनको होमवर्क देना चाहिए, उनको प्रैक्टिस देनी चाहिए। और आगे दोस्तों हमारे पास शिक्षण विधियां और मीडिया के चयन। अब देखिए जो हम टीचिंग विधि यूज़ कर रहे हैं और मीडिया यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। अब देखिए सबसे पहला आता है इसके अंदर प्रासंगिक और उचित विधियां एवं मीडिया का चयन। अब देखिए हमें ऐसे मीडियम का चयन करना चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सही लगे। अब देखिए मान के चलते हैं कि हम बच्चों को कहने लगे कि हम आपको ना आज से यूट्यूब पे पढ़ाएंगे, क्लास के अंदर कहने लगे, हो सकता है ज़्यादातर बच्चों के पास मोबाइल ही ना हो तो वो कैसे पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ऐसे विधि का यूज़ करना है जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसमें इन्वॉल्वमेंट हो सके और आसानी से उसको ले सके। शिक्षण विधि और मीडिया उद्देश्य एवं सामग्री के लिए प्रासंगिक हो, ठीक है, ये आप पढ़ लेना, यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ, ये वही बातें जो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। विविध विधियों और मीडिया का उपयोग, यूज वैरायटी ऑफ मेथड एंड मीडिया, ये कक्षा शिक्षण में छात्रों को रुचि बनाए रखने में और निरस्ता को बचाने के लिए ज़रूरी है। अब देखिए इसके अंदर क्या है कि हमें समय समय पर हो सके तो जो हमारा पढ़ाने का तरीका है वो चेंज करके देखना चाहिए, या फिर जैसे वो है ना सेट टॉप बॉक्स होते हैं सरकारी स्कूलों में, अब तो शायद पता नहीं है या नहीं, पहले होते थे, बच्चों को एक टीवी के ऊपर दिखाया जाता था, कुछ पढ़ाने का मटेरियल दिखाया जाता था, तो वो अलग अलग मीडिया का यूज़ करके बच्चों में रुचि बढ़ाई जाती थी। तो हमें समय समय पर अलग अलग मीडिया का यूज़ करना चाहिए ताकि बच्चों में रुचि आ सके और वो अच्छे से पढ़ सके। और आगे दोस्तों अच्छी गुणवत्ता वाले मीडिया का उपयोग, अब हमें जो भी हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं टीचिंग मीडिया का यूज़ कर रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए। अब वही बात आ रही है जैसे कि हम सेट टॉप बॉक्स यूज़ कर रहे हैं तो वो ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर बिल्कुल सही क्लियर क्वालिटी आए और उसके अंदर आवाज़ वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी कि सब कुछ हमें कोशिश करनी चाहिए कि सब कुछ अच्छा हो, गुड क्वालिटी का हो। अगर ख़राब क्वालिटी है, उसके अंदर अच्छे से तस्वीर नहीं आ रही और ख़राब आवाज़ आ रही है, तो बच्चे क्या है कि बच्चे आगे से उस क्लास में जाने के लिए मना कर देंगे और वो उनका जी चुराएगा उस क्लास में जाने के लिए। और आगे दोस्तों हमारे पास शिक्षण अधिगम में विभिन्न मीडिया का एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट मीडिया। अब देखिए इसमें देखते हैं, छात्रों को यह नहीं लगना चाहिए कि मीडिया और शिक्षक पृथक पृथक है। उदाहरण के लिए अगर छात्रों को एक वीडियो फिल्म दिखाई जाए तो उसके बाद पर उस पर चर्चा होनी चाहिए। अब देखिए जो चीज़ हम बच्चों को जैसे सेट टॉप बॉक्स पे दिखा रहे हैं तो उसको हमें बाद में डिस्कस करना चाहिए। अब ये बच्चों को ये नहीं लगना चाहिए कि जो फिल्म दिखाई है वो केवल और केवल मनोरंजन के लिए दिखाई है, नहीं, हमने जो फिल्म दिखाई है, जो डॉक्यूमेंट्री दिखाई है, उसको हमें जो हमारा जो टीचिंग है उसके साथ रिलेट करना चाहिए, अपने सब्जेक्ट के साथ रिलेट करके उनको उदाहरण देके बताना चाहिए कि देखिए उस फिल्म में ये बात इस तरीके से बताई थी। तो उस पर हमें विचार करना चाहिए ताकि बच्चों को लगे कि हाँ ये बात हमारे शिक्षण से रिलेटेड है, तभी हमारा जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छा होगा।
और आगे देखते दोस्तों, अनुकूल शिक्षण वातावरण बनाने के लिए प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिंग कंडक्टिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। अब देखिए, वातावरण बनाने के लिए क्या सिद्धांत होने चाहिए? कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या सीमित होनी चाहिए, जो बच्चों की संख्या वो लिमिट में होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि 100-150 बच्चे ले लिए और उनमें अच्छे से पता ही नहीं चल रहा कौन बच्चा क्या कर रहा है, शोर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो लिमिट होनी चाहिए। कक्षा में बैठने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, बैठने का जो तरीका है वो सही होना चाहिए। ये सारी बातें दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं, ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। और छात्रों के साथ समरस्य और सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है कि जो शिक्षक है उसको बच्चों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर सकता है, ये ज़रूरी नहीं है, कर सकता है। अब बच्चों को ये लगना चाहिए कि जो टीचर है वो सही है। अब देखिए, ज़्यादातर क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो टीचर से डरते हैं। पहले के टाइम में जो टीचर है वो बहुत पीटते थे, इस वजह से बच्चे उनके पास नहीं आते थे और कुछ पूछने से भी कतराते थे। तो माहौल ऐसा बनाना चाहिए कि बच्चे डरे ना, कोई भी बात पूछे तो वो बिल्कुल आसानी से हमारे पास आ सके। प्रतिपुष्टि तंत्र की स्थापना, सेटिंग अप ए फीडबैक मैकेनिज़्म। अब हमें ऐसा वहाँ पे बनाना चाहिए, सिस्टम बनाना चाहिए कि कोई भी बच्चा आसानी से अपना फीडबैक दे सके, ठीक है। और इसके लिए आप ये कर सकते कि भाई अगर किसी को स्पेशल कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई बात है, तो वो आप हमें आधी छुट्टी के अंदर आके बता सकते हैं, या फिर आप मेरा फ़ोन नंबर ले सकते हैं, अगर किसी को बात बतानी है तो वो बता सकते हैं, या प्रिंसिपल से कह सकते हैं। यानी कि इस तरह का हमें सिस्टम बनाना चाहिए जिससे बच्चा बिल्कुल आसानी से फीडबैक दे सके। और आगे दोस्तों, हमारे पास नवोन्वेषण के लिए प्रेरित करना, एनकरेजिंग इनोवेशन। अब बच्चे में ये चीज़ विकसित करनी चाहिए कि बच्चा नई नई चीज़ें खोज के लेके आए। अब देखिए, बच्चों को नए नए एक्सपेरिमेंट करवाने चाहिए और हमें क्विज डालने चाहिए, प्रतियोगिता डालनी चाहिए कि हम इस दिन को ये प्रतियोगिता करने वाले हैं और उस प्रतियोगिता में जो सबसे ज़्यादा अच्छा प्रोजेक्ट बनाएगा उसको हम सम्मानित करेंगे। यानी कि एनकरेज करना चाहिए बच्चे को आगे बढ़ने के लिए। अब है प्रबलन प्रदान करना, प्रोवाइडिंग रिफोरेंसमेंट। इसके अंदर क्या होता है कि बच्चा जो भी काम कर रहा है उसकी हमें प्रशंसा करनी चाहिए, उसका पुरस्कार करना चाहिए। सामाजिक मान्यताओं आदि के माध्यम से शिक्षार्थियों को प्रबल प्रदान किया जा सकता है। यानी कि बच्चे को एनकरेज कैसे किया जा सकता है, जब हम उसको इनाम देंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, दो चार लोगों में कहेंगे कि आपका बच्चा तो बहुत अच्छा पढ़ता है, और जब बच्चा अपने बारे में सुनता ना कि मेरे बारे में तो वो लोग हैं वो ऐसा कह रहे थे कि ये तो बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है, तो उसमें ऑटोमेटिक आगे और आगे बढ़ने की इच्छा जागृत होती है। और एक और चीज़ होती है दोस्तों क्लासरूम कम्युनिकेशन के अंदर, जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है वो हमारा एड्यूटेनमेंट का होना चाहिए। एड्यूटेनमेंट का मतलब होता है दोस्तों, जो हम पढ़ा रहे हैं उसके अंदर शिक्षा भी होनी चाहिए और मनोरंजन भी होना चाहिए, दोनों चीज़ें इंक्लूडिंग होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन मॉडल की। मुख्य रूप से कम्युनिकेशन के अंदर तीन मॉडल का जिक्र किया गया है हमारे पेपर के अंदर, वो है एक हमारा लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल है, और दूसरा है इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन मॉडल, और तीसरा है दोस्तों हमारे पास ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन मॉडल, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में समझने की हम कोशिश करेंगे, और वैसे हमने यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज के अंदर दिया है, आप देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम करते हैं लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल। जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि लीनियर मतलब एक लाइन के अंदर चलने वाला कम्युनिकेशन। द लीनियर मॉडल बिहेव इज ब्लू बाय इट्स नेम, वेयर ए सेंडर एनकोड ए मैसेज बाय ए चैनल एंड द मैसेज इज डिकोडेड बाय द
रिसीवर। देखिए इसे हम एक सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जो मैसेज दिया जाता है एक व्यक्ति के द्वारा या फिर किसी चैनल के द्वारा दिया जाता है, और वो एक सीधी रेखा में होते हैं। सीधी रेखा का मतलब ये होता है दोस्तों, उसके अंदर फीडबैक आने की संभावना बहुत कम होती है, और अगर फीडबैक आता भी है तो वो बहुत लेट आता है। उसके अंदर एक सीधी रेखा में जो है मैसेज जाता है। जैसे कि हम एग्जांपल के रूप में लेके चले, जैसे टेलीविज़न है, टेलीविज़न के अंदर क्या होता है कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है, हम फीडबैक नहीं दे सकते टीवी के ऊपर, और अगर हम फीडबैक देना भी चाहें तो वो क्या है कि जैसे पहले आपने देखा होगा कि पहले के समय में जब टीवी पे प्रोग्राम आते थे तो हम चिट्ठी लिख के, पत्र लिख के अपने विचार वो साझा करते थे, ठीक है। और ऐसी देखिए, जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, पहले जो टीवी कार्यक्रम हुआ करते थे तो उसके अंदर हम फीडबैक देते थे, अपने गाने की रिक्वेस्ट करते थे, तो वो क्या है कि जैसे विविध भारती हो गया, आकाशवाणी हो गया, तो उसके ऊपर हम अपना पत्र लिख के उनको बताते थे कि हमें ये गाना अच्छा लगता है ऐसे, और अपनी प्रतिक्रियाएँ देते थे। यानी कि लीनियर कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन होता है वो सीधा डायरेक्ट होता है, और उसमें फीडबैक है वो बहुत कम मिलने की संभावना होती है, और अगर मिलता भी है तो वो बहुत लेट जाके हमें फीडबैक मिलता है। तो इसकी खासियत ये होती है, और इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था सेनन एंड वीवर ने, 1949 के अंदर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। यहाँ पे आप इंग्लिश हिंदी में इसको पढ़ सकते हैं आसानी से, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये एक घुमा फिरा के भी दे सकते हैं एग्जामिनर, वो इसको कन्वर्ट करके दे सकते हैं। जैसे कि जो टीचर है वो क्लास के अंदर लेक्चर देते जा रहा है, तो वो किस तरह का कम्युनिकेशन होगा। अब देखिए, जो टीचर है वो लेक्चर दे रहा है, ठीक है, लेक्चर दिए जा रहा है, फीडबैक नहीं ले रहा किसी का, तो वो क्या होगा हमारा, वो होगा लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल होगा, क्योंकि वो फीडबैक नहीं ले रहा, ठीक है, अपनी बात केवल बता रहा है, ठीक है। और आगे हम देखते हैं, आगे हमारा दोस्तों इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखिए, इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर क्या है, द स्पीकर और सेंडर ऑफ द मैसेज आल्सो लिसन टू द फीडबैक गिवन बाय द रिसीवर और लिसनर। अब देखिए, इसको भी हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, इंटरेक्टिव मॉडल के अंदर क्या है कि इसके अंदर हम जो संदेश देते हैं उसका हमें फीडबैक जल्दी मिलने की संभावना होती है। और जैसे कि हम इसे एक छोटे से एग्जांपल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं कि आज के टाइम में क्या है कि जैसे टीवी पे प्रोग्राम आते हैं आज भी, तो वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि लाइव हमें कॉल कीजिए और हमें बताइए कि आपकी क्या प्रॉब्लम है और आपकी क्या समस्या है और आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं, जल्दी से मैसेज कीजिए, तो वो जल्दी फीडबैक हमें मिलता है। और दूसरा इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण हम लेते हैं, जैसे व्हाट्सएप पे। अब देखिए, व्हाट्सएप पे किसी ने कहा कि टेल मी, दूसरा कह रहा है व्हाट, फिर वो जो पहले वाला व्यक्ति कह रहा है एनीथिंग, फिर जो दूसरा व्यक्ति कह रहा है व्हाट आर यू डूइंग नाउ। यानी कि इस तरीके से जो इसमें फीडबैक है वो जल्दी मिलता है। और इसके अंदर क्या होता है कि इसमें एक और खासियत ये होती है कि बारी बारी से दोनों अपना कन्वर्जेशन करते हैं, अपनी बात करते हैं। जैसे पहले एक आदमी कुछ बात कहेगा, फिर दूसरा उसका रिप्लाई देगा, फिर पहले वाला आदमी कुछ पूछेगा, फिर दूसरा उसका रिप्लाई देगा। यानी कि बारी बारी से अपना कम्युनिकेशन करते हैं, अपने विचार, अपनी भावनाओं, इच्छाओं को शेयर करते हैं। जैसे आप ये चैटिंग देख रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, इंटरेक्टिव, यानी कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होना, जैसे कि हम लाइव चैट करते हैं, ठीक है, तो जैसे फेसबुक पे करते हैं। तो ये हो गया हमारा इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन मॉडल हो गया। और ये दोस्तों, ये दोनों तरह का हो सकता है, यानी कि वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है। यानी कि हम अपने बॉस के साथ भी ऑफिशियल बात कर सकते हैं और अपने यार दोस्त के साथ भी बात कर सकते हैं। और आगे दोस्तों हमारे पास ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन मॉडल। अब देखिए, इसके अंदर क्या होता है, ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन मॉडल के अंदर हम एक साथ बहुत से लोगों के साथ बात कर सकते हैं, और इसमें जो मैसेज है वो बहुत जल्दी फीडबैक होता है हमारा। आमने सामने बैठ के कर सकते हैं, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है हमारी, उसमें हम कर सकते हैं। जैसे कि ये आप एक पिक्चर देख रहे हैं, इसके अंदर क्या है कि ये जो लोग हैं
ये दूसरी जगह पर बैठे हैं और ये दूसरी जगह पर बैठे हैं, ये एक दूसरे से, ये लोग और ये लोग एक दूसरे से सवाल जवाब कर रहे हैं, जल्दी जल्दी अपने आंसर कर रहे हैं। यानी कि इसके अंदर अपनी बारी का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये व्यक्ति कुछ बात बता रहा है तो बीच में ये जो औरत है इसकी बात को काट सकती है, पूछ सकती है कि ये बात कैसी होगी, क्या होगी। तो इस तरीके से इसके अंदर कम्युनिकेशन होता है एक दूसरे के साथ। और दूसरा हम इसके अंदर ये भी समझ सकते हैं कि जैसे कि यार दोस्त बैठे हैं, पांच यार दोस्त बैठे हैं और वो एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, दूसरा ये कुछ बात कह रहा तो ये इसकी बात काट सकता है, हंसी मजाक कर सकता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन मॉडल कहेंगे। और इसके अंदर ये नहीं है कि अपनी बारी का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी दोस्तों फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह का हमारा हो सकता है, ठीक है। और इसमें देखिए हमारे जो पेपर में आएगा क्वेश्चन वो किस तरह से घुमा फिरा के देंगे, वो ये देंगे कि जैसे कि क्लास के अंदर डिस्कशन चल रही है, प्रश्नोत्तरी हो रही है, तो उसमें किस तरह का कम्युनिकेशन होगा। अब देखिए, अब आप बताइए मेरे को, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्लास के अंदर टीचर है, वो पर्सन पूछ रहा है, टीचर पर्सन पूछ रहे हैं और जो स्टूडेंट है बारी बारी अपना आंसर दे रहे, तो वो किस तरह का कम्युनिकेशन मॉडल होगा, आप बताइए। वो इंटरेक्टिव मॉडल होगा, ट्रांजैक्शनल होगा या फिर लीनियर कम्युनिकेशन होगा, किस तरह का कम्युनिकेशन मॉडल होगा, ये आप आंसर वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखना। इसी से आपका पता चलेगा कि आपने कितना क्या कुछ सीखा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने विचार बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर कुछ कमी है तो वो भी हमें ज़रूर बताइए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों अगर आप चाहें तो बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स देते हैं, थ्योरेटिकल वीडियोस देते हैं, इसके साथ साथ 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर देते हैं विद टॉपिक वाइज क्वेश्चन। जैसे कि आज तक रिसर्च के क्वेश्चन आ चुके हैं वो हमने अलग रखे हैं, टीचिंग के क्वेश्चन अलग रखे हैं, कम्युनिकेशन के अलग रखे हैं। इस तरीके से सभी 10 यूनिट के जो क्वेश्चन हैं आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको सभी 10 यूनिट के लाइव मॉक टेस्ट देते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। NTAUGNET यानी निमेजनेट, डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों आज हम कम्युनिकेशन के अंदर कम्युनिकेशन का एक नया टॉपिक करने वाले हैं, मास मीडिया एंड सोसाइटी। ये टॉपिक हमारे न्यू सिलेबस में ऐड हुआ है और ये टॉपिक करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम बात करते हैं मास मीडिया एंड सोसाइटी की। देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी है, समाज है, वो क्या है, उसका क्या मतलब है। ये हमें बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। देखिए समाज एक से अधिक लोगों का समुदाय है जिसमें सभी व्यक्ति मानवीय क्रिया करते हैं। मानवीय क्रियाकलापों में आचरण, सामाजिक सुरक्षा और निर्वाह आदि की क्रियाएँ सम्मिलित होती है। समाज लोगों का ऐसा समूह है जो अपने अंदर के लोगों के मुकाबले अन्य समूह से काफ़ी कम मेलजोल रखता है। अब देखिए इसका हम सिंपल भाषा में मतलब समझने की कोशिश करते हैं। देखिए समाज जो है वो लोगों का समूह है जिसके अंदर लोग मिलजुल कर रहते हैं और सामाजिक क्रियाएं करते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे इन्होंने कही कि समाज के अंदर क्या है कि लोग, इस तरह के लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं जो एक दूसरे की इच्छाओं को, भावनाओं को, आचरण को, विचार को, आइडिया को समझते हैं, तो वो एक साथ रहते हैं। लेकिन जिन लोगों की थिंकिंग अलग होती है वो अलग रहते हैं। जैसे कि हम मान के चलते कि धार्मिक प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं वो गुंडे लोगों के साथ नहीं रहते, उनके साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते। तो इस तरीके से समाज के अंदर अलग अलग तरह के ग्रुप हो सकते हैं, अलग अलग तरह का समाज हो सकता है। अब देखिए जैसे पंजाबी जो लोग हैं, पंजाब के रहने वाले हैं,
किसी दूसरे देश में जाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादातर ये कोशिश करेंगे कि उनको इंडियन लोग मिल जाए। दूसरे देश में जाएंगे तो वो इंडियन लोगों के साथ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि उनके विचारों को, उनके आचरण को, उनकी भावनाओं को अच्छे तरीके से वो समझ सकते हैं, ठीक है। और दुनिया के सभी समाज अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए अलग अलग रस्मों रिवाजों का पालन करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। ये हर देश के अंदर भी काफ़ी तरह के समाज हो सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि गुजरात के जो लोग होते हैं उनका रहन सहन अलग होता है, हरियाणा का अलग होता है, पंजाब का अलग होता है। तो इस तरीके से अलग अलग लोगों के रीति रिवाज अलग अलग होते हैं। और यहाँ पर बात ये आ रही है दोस्तों कि हम ये टॉपिक क्यों कर रहे हैं। ये हम टॉपिक इसलिए कर रहे हैं कि हमारे समाज के अंदर कम्युनिकेशन का क्या महत्व है, तो इसलिए हम ये टॉपिक कर रहे हैं। और आगे हम देखते हैं दोस्तों, इसमें और भी काफ़ी तरह की बातें लिखी हुई है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। अब देखिए, अब बात करते हैं व्हाट इज मास कम्युनिकेशन। अब मास कम्युनिकेशन के बारे में हम पढ़ते हैं, इसके बारे में हमने पहले भी जिक्र किया है, लेकिन फिर भी हम आपको दोबारा बता देते हैं। जनसंचार शब्द अंग्रेजी भाषा के मास कम्युनिकेशन का हिंदी पर्यायवाची शब्द है। इसका अभिप्राय बहुल मात्रा में, भारी मात्रा में या भारी आकार में बिखरे लोगों या अधिक मात्रा में लोगों तक संचार माध्यम से सूचना या संदेश पहुंचाना है। देखिए, मास कम्युनिकेशन का सिंपल भाषा में मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग, यानी कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या, चाहे वो बिखरी हुई हो, अलग अलग हो, जैसे कि कुछ लोग गांव में हो, कुछ शहर में हो, कुछ कस्बे में हो, कोई कहीं, कोई खेत में बैठा है, कोई घर पे बैठा है, कोई कहीं पे बैठा है, कोई ऑफिस में है, तो इस तरीके से ये क्या हो गए, ये सभी के सभी लोग बिखरे हुए हैं, ठीक है। कोई कहीं पर, कोई कहीं पर, कोई कहीं पर, कोई कहीं पर बैठा हुआ है, तो इन सभी लोगों के पास में कोई संदेश पहुंचाना क्या कहलाता है, मास कम्युनिकेशन कहलाता है। और इसके अंदर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे लोग हैं, जो जनसंख्या, वो बिखरी हुई हो, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, एक साथ इकट्ठी भी हो सकती है। जैसे कि हम जनसभा करते हैं, भाषण देते हैं, तो उसके अंदर, रैली के अंदर हज़ारों लोग एक जगह बैठे हुए होते हैं, ठीक है। यानी कि मास कम्युनिकेशन का सिंपल भाषा में मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोगों को एक साथ सूचनाएं देना क्या कहलाता है, मास कम्युनिकेशन कहलाता है। और आगे हम देखते हैं, जन संचार में जन शब्द जन समूह, भीड़ व जनता को बनाता है, परंतु वास्तव में इन तीनों के अर्थ भिन्न हैं। जन समूह तो समान हित मूल्यों की पूर्ति के लिए संगठित होता है। भीड़ किसी स्थान विशेष पर आकस्मिक रूप से जमा होती है, जैसे किसी घटना घटित होने पर भावुक या तमाशबीन। अब देखिए, इसमें दो तरह की चीज़ें आती है, एक तो आता है जन समूह और एक आती है भीड़। इन दोनों में काफ़ी फर्क है। जन समूह वो होता है जिससे, जिन लोगों का विचार एक जैसे हो, जो किसी एक उद्देश्य के लिए इकट्ठा हुए हो। जैसे कि मैंने बताया कि एक रैली है, रैली के अंदर सभी लोग इकट्ठा हुए होते हैं, तो वो क्यों इकट्ठा हुए होते हैं, वो नेता का भाषण सुनना चाहते हैं, उनके क्या विचार है, तो वो एक उनकी एक उद्देश्य होता है, ठीक है। दूसरी तरफ भीड़ क्या होती है, भीड़ का कोई उद्देश्य नहीं होता, भीड़ भीड़ होती है, जैसे कि कोई लड़ाई हो जाए, लड़ाई देखने के लिए लोग इकट्ठा हो जाए, तो उनका कोई खास उद्देश्य नहीं होता, वो बस वैसे ही इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर फ़र्क है। और एक चीज़ और मैं दोस्तों यहाँ पे बताऊँ कि आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे मास मीडिया एंड सोसाइटी है, इसके अंदर हम बेसिक चीज़ें जानने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आगे हमें कोई और चीज़ पता चले इसके अंदर जो पेपर में आने वाली हो, तो हम आगे भी करेंगे। जैसे अगर 2 महीने बाद में या महीने बाद में हमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ पता चलती है, तो इसमें वो करेंगे। और इसी तरीके से जैसे रिसर्च की बात है, कम्युनिकेशन की बात है, वैसे तो हमने ये दोनों जो टॉपिक है कम्प्लीट कर लिए, लेकिन अगर फिर भी इनमें कोई टॉपिक रह जाता है या कोई और इम्पॉर्टेंट बात हमें पता चलती है, तो वो हम आने वाले टाइम में करेंगे। लेकिन अभी क्या है कि अभी हम एक बेसिक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और आगे दोस्तों, अब यहाँ पे जैसे कि ये क्वेश्चन पहले आया हुआ था कि जन संचार शब्द है वो कहाँ से लिया गया है। संचार शब्द अंग्रेजी भाषा के कम्युनिकेशन का पर्यायवाची, ये हमने बात बता दी। यह शब्द लैटिन भाषा के कम्युनस से लिया गया, जिसका अर्थ है टू मेक, टू कॉमन, टू शेयर, टू इम्पोर्ट, टू ट्रांसमिट, ठीक है। अर्थात सामान्यकरण, सामान्य भागीदारी, मुक्त सूचना व संप्रेषण।
ये इसका मतलब है, ये चीज़ आप ध्यान में दे लेना क्योंकि इसमें से पहले क्वेश्चन आया है, आ चुका है, तो अब भी आने की संभावना है। और देखिए, कुछ संचार विशेषज्ञों का कहना कि संचार अर्थ का संप्रेषण है। अब देखिए, जो संचार है वो क्या है, हम किसी को बात समझाना चाह रहे, अर्थ का संप्रेषण है, यानी कि किसी को हम कुछ बात का अर्थ समझा रहे हैं। सामाजिक मान्यता का संचरण है या अनुभवों का बांटना है, ठीक है। तो हर जो थिंकर है उनकी अलग अलग सोच हो सकती है मास कम्युनिकेशन के बारे में। और आगे देखते हैं दोस्तों, जन माध्यम कितने उपयोगी है। अब देखिए, जन माध्यम कितने उपयोगी है ये हम भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अब जैसे कि कोई बात बतानी है तो हम, ऐसा तो है नहीं कि एक एक व्यक्ति को जाके बताए, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जन माध्यम यूज़ करते हैं, जन संचार का यूज़ करते हैं। जैसे जैसे नरेंद्र मोदी आते हैं, वो TV पे भाषण देते, तो एक जगह वो भाषण देते लेकिन उनको करोड़ों लोग एक साथ सुनते हैं। तो जो जन कम्युनिकेशन है, मास कम्युनिकेशन है, वो उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और इसी तरीके से जो हमारा बात चल रही है कि हमारे UGC नेट के अंदर जन संचार का क्या मतलब है, उसका मतलब आएगा दोस्तों क्लासरूम कम्युनिकेशन के संदर्भ में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि क्लास के अंदर बहुत से लोग, बहुत से स्टूडेंट बैठे हुए हैं, उनको अच्छे ढंग से जो क्या है कि अपनी बात समझाने के लिए किस तरह का कम्युनिकेशन होना चाहिए, तो उसमें आएगा ग्रुप कम्युनिकेशन होना चाहिए, मास कम्युनिकेशन होना चाहिए, किस तरह का कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो आप उसमें हमें सोचना पड़ेगा कि किस तरह का कम्युनिकेशन ज़्यादा इफेक्टिव होएगा, ठीक है। और तो इस तरह के क्वेश्चन है वो घुमा फिरा के देंगे। तो इस तरह से ये जो है मास कम्युनिकेशन है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमने हिंदी में लिखा हुआ है। आगे दोस्तों, कि जन संचार के माध्यम कौन कौन से हो सकते हैं। अब देखिए, इसके लिए रेडियो हो सकता है, सिनेमा, समाचार पत्र, किताबें, और आगे हैं अभी जैसे इसके अंदर नई चीज़ें भी ऐड हुई है, जैसे कि यूट्यूब ऐड हुआ है, वेबसाइट ऐड हुई है, वेबिनार ऐड हुआ है, और वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है, यानी कि नए नए ज़माने के अनुसार नई नई चीज़ें आ रही हैं। इन सभी के बारे में हमें बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। और आगे दोस्तों, जन संचार की विशेषताएं, इसकी विशेषताएं क्या होती है। देखिए, इसमें फीडबैक तुरंत नहीं मिल पाता, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि जन संचार के अंदर जैसे TV के ऊपर कोई एंकर है, वो बोल रहा है, उसे अगर फीडबैक चाहिए तो वो जो फीडबैक है वो काफ़ी लेट आता है। और इसमें संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है, इसमें हम जो भी बात कहते हैं वो सार्वजनिक रूप से कहते हैं, जो सभी के ऊपर लागू हो। हम ये नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के काम आने वाली बात हम नहीं कह सकते। संचारक और प्रापक के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता, ये बात भी बिल्कुल सही है, कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता जो बोल रहे और जो संदेश सुन रहे हैं उसके बीच में। संचार के लिए एक औपचारिक संगठन की आवश्यकता होती है। जब हम मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसके अंदर फॉर्मल कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, उसके अंदर हम बहुत ज़्यादा हंसी मजाक वगैरह नहीं कर सकते, उसके अंदर कुछ सभ्य तरीके से हमें संचार करने की आवश्यकता है। इसमें ढेर सारे द्वारपाल होते हैं। अब देखिए, द्वारपाल, इस चीज़ को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसे कहते हैं गेटकीपर कहते हैं, इसके बारे में हमने आगे इसी वीडियो में बताया है, उसमें आपको हम अच्छे तरीके से समझाएंगे। आगे है जन संचार के प्रमुख कार्य क्या क्या है। इसका प्रमुख कार्य है सूचना देना, सबसे ज़्यादा यूज़ हम क्यों करते हैं, ताकि हम किसी को सूचना दे सके, इन्फॉर्मेशन देने के लिए, जैसे TV पे न्यूज़ आती है। दूसरा है शिक्षित करना, शिक्षा देना, और तीसरा है मनोरंजन करना, फिर है निगरानी करना, जैसे कि पुलिस वगैरह निगरानी करती है, और फिर एजेंडा तय करना, एजेंडा तय किया जाता है इलेक्शन के अंदर, अपनी कोई भी जो पार्टी है उसको किस तरीके से जिताना है, क्या लोग, यानी कि क्या टैगलाइन देनी है किस तरीके से, और उसको किस तरह से जन जन तक पहुंचाना, पूरा एजेंडा तैयार किया जाता है। विचार विमर्श के लिए एक मंच उपलब्ध करना, यानी कि विचार विमर्श करना, तो उसके लिए हम एक सभा का गठन करते हैं और उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, वो अपने अपने विचार देते हैं। तो जो जन संचार के वो काफ़ी तरह के कार्य हो सकते हैं। और आगे दोस्तों, जन संचार माध्यमों का समाज में प्रभाव, यानी कि सोसाइटी में क्या प्रभाव है, ये हमें देखना ज़रूरी है। आज के संचार प्रसाधन समाज में जन संचार माध्यमों के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती।
हमारे जीवन शैली पर संचार माध्यमों का ज़बरदस्त असर है। अखबार पढ़े बिना हमारी सुबह नहीं होती। ये देखिए, ये हमारी सिंपल बातें लिखी हुई है कि जनसंचार क्या होता है, इसके बगैर हम नहीं जी सकते। अब देखिए, जनसंचार का हमारे जीवन पे, हमारे समाज पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर हम इसका एक सिंपल सा उदाहरण लें तो देखिए, हम आज के टाइम में जो फिल्में देख रहे हैं उसका हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अब देखिए, फिल्मों के अंदर क्या नए नए फैशन बताए जाते हैं, दिखाए जाते हैं कि लड़के लड़कियाँ इस तरीके से करते, तो हम उसका अनुसरण करते हैं। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे काफ़ी गंदी चीज़ सीख जाते हैं, वो एक किस्म से है जनसंचार है। फिल्में जो है वो एक जनसंचार के अंदर आते हैं, तो उससे क्या है कि कई गंदी चीज़ें भी हम सीख सकते हैं और जनसंचार के द्वारा हम काफ़ी अच्छी चीज़ें भी सीखते हैं। जैसे कि कई बार हमने न्यूज़पेपर देखे, न्यूज़पेपर के अंदर जैसे पंजाब केसरी वगैरह है और भी कई न्यूज़पेपर जिनके अंदर काफ़ी अडल्ट फ़ोटो भी आते, तो वो हमारे समाज के ऊपर काफ़ी गलत इफ़ेक्ट डालती है। ठीक है, और इसके अलावा ऐसी बात नहीं है कि हम केवल गलत चीज़ें ही सीखें, नहीं, हम अच्छी चीज़ें भी सीख सकते हैं जनसंचार के द्वारा। जैसे कि हमारे जैसे YouTube पे आपने देखा होगा कि मोटिवेशनल वीडियो आते हैं, संदीप माहेश्वरी की आते हैं, विवेक बिंद्रा की आते हैं, तो उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हम मोटिवेट होते हैं, आगे हमें कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। और इससे क्या है कि हम कुछ सीख भी सकते हैं, जैसे कि टीचिंग की वीडियो होती है तो वो हमारे कैरियर के लिए काफ़ी यूज़फुल होती है। तो जो जनसंचार है उसका हमारे समाज पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का इफ़ेक्ट हो सकता है। ठीक है, ये हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है और जो सूचनाएं प्रसारित कर रहा है उसके ऊपर भी ये चीज़ डिपेंड करती है। तो यहाँ पर आप ये सारी चीज़ पढ़ सकते हैं। और आगे दोस्तों, हमारे पास अब सबसे मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक और जो है वो मैं बता देता हूँ, गेट कीपिंग। अब देखिए, गेट कीपर क्या होता है? गेट कीपर का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान के चलिए एक न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर को न्यूज़ बनानी है, तो उसके अंदर क्या करते हैं कि अलग अलग तरह के जो रिपोर्टर है वो अपनी अपनी न्यूज़ लेके आते हैं, इकट्ठा 10 न्यूज़ लेके आए। ठीक है, तो उसके बाद जो एडिटर होता है वो देखता है कि कौन सी न्यूज़ सही है, कौन सी गलत है, क्या हमें अखबार के अंदर देनी चाहिए, क्या नहीं देनी चाहिए, यानी कि वो पूरी छानबीन करते हैं, यानी कि वो फिल्टर करते हैं, गेट कीपिंग करते हैं। जैसे गेट कीपिंग का, अब देखिए सिंपल भाषा में मैं बताऊँ, गेट कीपिंग का मतलब क्या होता है, जो एक द्वारपाल होता है, यानी कि एक गेट के सामने जिस आदमी को बैठाया जाता है अपने घरों के अंदर या बड़े बड़े जो मॉल वगैरह होते हैं उनके अंदर बैठाया जाता है, वो देखता है कि कौन सा व्यक्ति कोई गन वगैरह तो लेके नहीं गया है, कोई गलत हरकत तो नहीं कर रहा है, यानी कि वो निगरानी कर रहा है। तो सेम टू सेम यही चीज़ हमारे मास कम्युनिकेशन के अंदर होती है, एक गेट कीपर होता है जिसे हम सामान्य भाषा में एडिटर कह सकते हैं। वो जितनी भी सूचनाएं आई हैं उन सभी सूचनाओं को देखते हैं, परखते हैं कि कौन सी सूचना सही है, कौन सी गलत है, क्या है, तो उसके बाद में अब उनको फिल्टर करने के बाद में, अच्छे से परखने के बाद आगे फिर वो पब्लिश होने के लिए भेजता है। इसी तरीके से यूएन है, उसके अंदर होता है, टीवी के अंदर होता है, तो अलग अलग जगह पर, सभी जगह पर ये यूज़ किया जाता है। और इसमें से पहले भी क्वेश्चन आए हैं, इसमें सेकंड पेपर में आए हैं दोस्तों, पेपर फर्स्ट में तो नहीं आए, लेकिन फिर भी इसमें संभावना है अब की बार आने की, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा मास मीडिया एंड सोसाइटी से रिलेटेड टॉपिक, और अगर इसमें से कोई और भी इम्पोर्टेंट चीज़ निकलती है तो हम उस पर आगे आने वाले टाइम में वीडियो बनाएंगे। अभी के लिए हमने इसको एक बेसिक चीज़ हमने समझा है, मास मीडिया एंड सोसाइटी क्या होती है। और तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों। NTA UGC NET यानी निमेज NET, डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर।
सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। ठीक है, तो ये वीडियो आप दोस्तों पूरा देखना और ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको हर एक वो क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कम्युनिकेशन के अंदर हर बार रिपीट हुआ है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन के अंदर सभी टॉपिक के बारे में कि कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं और ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो आगे भी आने की संभावना है, जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, दिसंबर 2012 में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर एक, अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन की उत्पत्ति किन शब्दों से हुई है, ये हमें बताना है। तो इसका आंसर है दोस्तों कम्युनिस और कम्युनिकेयर। ये हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आगे भी इसके आने की संभावना है। और आगे देखते दोस्तों आगे किस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री, आत्माओं और पूर्वजों से बातचीत करने को क्या कहते हैं, यानी कि जो बाबा महाराज वगैरह जो होते हैं वो अपने आप में, यानी कि जो भूत वगैरह उनसे बातचीत करते, तो उसको हम क्या कहते हैं, किस तरह का कम्युनिकेशन होता है, इसे हम कहते हैं दोस्तों ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। और इसके अंदर एक और चीज़ भी होती है दोस्तों, जो मनोचिकित्सक होते हैं वो मानसिक रूप से दूसरे व्यक्ति से बातचीत करते हैं, उसकी मानसिक स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं, तो उसे भी कहीं ना कहीं हम ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन कहेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना, क्योंकि एक बार ऐसे भी क्वेश्चन आया था कि एक मनोचिकित्सक है वो दूसरे इंसान से बात करने की कोशिश कर रहा है, तो उसे किस तरह का कम्युनिकेशन कहेंगे, तो उसका आंसर भी ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन था। तो इसलिए ये हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। और आगे देखते हैं दोस्तों आगे किस तरह से इसमें से क्वेश्चन आए हैं और कौन से क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, मैंने हर एक जो क्वेश्चन है अलग अलग टाइप से उनको मार्क किया हुआ है ताकि उनको क्वेश्चन ढूंढने में आसानी हो जाए। अब ये देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ये हमारा दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कैन आल्सो बी इक्विलेटेड विद। अब देखिए, जो ऑर्गेनाइजेशन संस्था के अंदर जो कम्युनिकेशन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ये हमें बताना है। तो इसका मैंने आपको पहले ही बताया था, इसे हम क्या कहते हैं, ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, और आगे हम देखते हैं दोस्तों। अब ये देखिए दोस्तों, सितंबर 2013 का क्वेश्चन पेपर है। इसके अंदर इन्होंने ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन की बात की है। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं, और ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, वो वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन बाद में भी रिपीट हुआ है और अब भी रिपीट हो सकता है, तो ये हम देखते हैं कि किस तरह से आगे रिपीट हुआ है। और आगे हम देखते हैं दोस्तों कि टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन पेपर, देख लेते हैं हम, दिसंबर 2014 का क्वेश्चन पेपर है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक स्रोत से एक साथ सूचनाएं प्रसारित करता है, यानी कि एक स्रोत है जैसे कि रेडियो है, रेडियो के द्वारा बहुत से लोगों को सूचनाएं दी जाती है, तो उसे हम किस तरह का कम्युनिकेशन कहेंगे। इसका आंसर है दोस्तों जनसंचार कम्युनिकेशन। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया हुआ कि मास कम्युनिकेशन किस तरह का कम्युनिकेशन होता है। और आगे हम देखते हैं दोस्तों, आगे ये देखिए, ये हमारे पास है जून 2014 का क्वेश्चन पेपर है। इसके अंदर औपचारिक और अनौपचारिक, यानी कि इनफॉर्मल और फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में मैंने आपको बताया था। और इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना दोस्तों, अभिकथन, कथन, तर्क वाले क्वेश्चन, ये काफ़ी हमें कन्फ्यूज करते हैं, लेकिन इतने कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं होते, बस थोड़ा सा हमें सोचने समझने की ज़रूरत होती है। अब ये क्वेश्चन देखना, मैं आपको बिल्कुल आसानी से कैसे करवाता हूँ। अब ये देखिए, इनका अभिकथन क्या है, औपचारिक संप्रेषण त्वरित और लचीला होना चाहिए। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए दोस्तों कि औपचारिक संप्रेषण किसे कहते हैं। औपचारिक का मतलब होता है दोस्तों, जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, जो संस्था वगैरह के अंदर होता है, एक बॉस अपने कर्मचारियों से करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं, जिसके अंदर नियम कायदे कानून होते हैं। तो वो जो कम्युनिकेशन है औपचारिक कम्युनिकेशन त्वरित और लचीला होना चाहिए, ये इसका अभिकथन है। यानी कि जो हमारी संस्था है उसके अंदर बहुत ही लचीला, ढीलापन होना चाहिए, ये अभिकथन है इसका। ठीक है, और दूसरी बात कह रहा है ये कि सूचना का औपचारिक संप्रेषण एक योजनाबद्ध और व्यवस्थित प्रवाह है। यानी कि इस दूसरे तर्क के अंदर इसने क्या कहा है कि जो औपचारिक कम्युनिकेशन है वो एक योजनाबद्ध तरीके से होता है और व्यवस्थित प्रवाह होता है, यानी कि उसके अंदर एक फॉलो होता है, सही तरीके से होता है। तो इन दोनों में से कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है, ये हमें बताना है। अब ये देखिए, इसका आंसर इन्होंने 4 दिया है, ए असत्य परंतु आर सत्य, ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ये देखिए, औपचारिक संप्रेषण त्वरित और लचीला
होना चाहिए, ये बात इसकी बिल्कुल गलत है। क्योंकि ऑफिस के अंदर अगर हम बहुत ढीला मस्ती में काम करेंगे तो जो जितने भी कर्मचारी वो सही से काम नहीं करेंगे और वो इग्नोर करने लगेंगे चीज़ों को। इसलिए हमारा जो संस्था के अंदर कम्युनिकेशन है वो योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए और अच्छे तरीके से होना चाहिए। तो इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से कह सकते हैं कि जो ए है ए ऑप्शन गलत होगा और इसका जो आर है वो सत्य होगा। तो इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, बस थोड़ा सा समझने की आपको ज़रूरत है। और आगे हम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों किस तरह से आते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, ये हमारा फिर से ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन आ गया। ये देखिए, ये एक मिनट मैं आपको दिखा रहा हूँ, जून 2015 का क्वेश्चन पेपर है। और इसके अंदर देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 22, द टर्म ग्रेपवाइन इज आल्सो नोन एज ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन, किससे भी जाना जाता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये मैंने बताया था कि ग्रेपवाइन जो होता है वो कभी यहाँ, जैसे एक बंदे के पास इन्फॉर्मेशन है, इसने यहाँ पे दी, इसने यहाँ पे दे दी, इसने यहाँ पे दे दी, इसने यहाँ पे, तो एक गुच्छे की तरह जो कम्युनिकेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेपवाइन कहते हैं। और वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, उसके अंदर कोई भी नियम कायदे कानून नहीं होते। और आगे दोस्तों, द कम्युनिकेशन, इन द कम्युनिकेशन द लैंग्वेज इज, कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं, संचार कर रहे हैं, अगर अगर उसके अंदर भाषा हो तो उसे हम किस तरह का कम्युनिकेशन कहेंगे, तो उसे क्या कहेंगे हम दोस्तों, वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि शाब्दिक कम्युनिकेशन उसे हम कहेंगे। वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ये हमें समझने की ज़रूरत है। और आगे हम देखते हैं दोस्तों किस तरह से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 और पेपर देख लेते हैं, पेपर कौन सा, ये हमारा दिसंबर 2015 का क्वेश्चन पेपर है। और इसके अंदर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में मैं आपको हिंदी में भी दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए, वाणी के बजाय आवाज़ के पहलू को ध्यान से जाना जाता है, यानी कि जो हम बोल रहे उसको छोड़कर जो हमारे बोलने का तरीका है उसको हम किस लैंग्वेज के अंदर काउंट करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, उसे पारा लैंग्वेज कहेंगे। यानी कि जो आवाज़ को हम कभी ऊंचा कर लेते हैं, कभी धीमा कर लेते हैं, अलग अलग स्टाइल में जो बोलते हैं, तो उसे हम किस तरह का कम्युनिकेशन कहेंगे, उसे कहेंगे पारा लैंग्वेज कम्युनिकेशन कहेंगे। और आगे दोस्तों, आगे हमारे पास 22, एटीट्यूड एक्शन एंड अपीयरेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन कंसाइडर एज, यानी कि जो हमारे एटीट्यूड है, एक्शन है, जो एक्शन हम कर रहे हैं, अपीयरेंस है, हमारे उपस्थित होने का तरीका, वो किस तरह का कम्युनिकेशन होता है दोस्तों, वो होता है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। मैंने आपको बताया था कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसके अंदर हम शब्दों का यूज़ करें, किसी को बोल के बताएं या किसी को लिख के कोई संदेश पहुँचाएं, तो वो होता है वर्बल। और जो कम्युनिकेशन जिसमें शब्दों का यूज ना हो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहेंगे। और आगे हम देखते दोस्तों, ये देखिए, ये हमारा आ गया हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कम्युनिकेशन, ये भी एक टाइप है कम्युनिकेशन का, इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। एक ऐसी संस्था जहां लोग समान परिस्थिति के हैं, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जहां पे एक क्लर्क है, क्लर्क से बात कर रहा है, चपरासी है, चपरासी से बात कर रहा है, तो उसे हम किस तरह का कम्युनिकेशन कहेंगे, उसे कहेंगे क्षितिज कम्युनिकेशन। क्षितिज का मतलब होता है दोस्तों हॉरिजेंटल, जो कम्युनिकेशन होता है उसे हम कहते हैं क्षितिज कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। और जो ऊपर से नीचे जो होता है, यानी कि एक बॉस है, चपरासी से बात कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे वर्टिकल कम्युनिकेशन, यानी कि ऊपर से धीरे 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 जब नीचे संदेश आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्टिकल कम्युनिकेशन कहते हैं। और आगे हम देखते हैं दोस्तों, आगे कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जो दिसंबर 2019 के अंदर आ सकते हैं। अब ये देखिए, दोबारा से फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में पूछ लिया। और ये देखते हैं क्वेश्चन पेपर, देखते हैं, ये देखिए, ये हमारा अगस्त 2016 का क्वेश्चन पेपर है। और इसके अंदर देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर, ये है क्वेश्चन नंबर 15। इसके अंदर इन्होंने कहा है कि फिगर आउट द कंपोनेंट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इनमें से हमें ये बताना है कि कौन से ऐसे तत्व है जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि जिसके अंदर शब्दों का यूज ना हो। अब देखिए, ऑप्शन नंबर 4 है फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे के हाव भाव है, उसमें कोई भी शब्द यूज नहीं होता। काइनेसिस, काइनेसिस के बारे में भी मैंने आपको बताया है, अगर आप डिटेल में जानना चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। और पर्सनल स्पेस यानी कि किसी के निकट जा रहे हैं, दूर रह रहे हैं, तो इस तरह का क्या होता है कि उसके अंदर भी किसी भी शब्द का यूज नहीं होता। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर ये चीज़ें आएगी। और आगे हम देखते हैं दोस्तों, आगे किस तरह से क्वेश्चन आए हैं हमारे।
अब देखिए इसके अलावा भी और काफ़ी क्वेश्चन है, जैसे ये मैंने पिंक किया हो, इनके ऊपर भी हम बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और इनमें से कौन से क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब ये देखिए, ये आप आ गया शायद, ये दिसंबर 2018 का क्वेश्चन पेपर है मेरे को। हाँ ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा दिसंबर 2018 का क्वेश्चन पेपर है और इसके अंदर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 25, 25 नंबर क्वेश्चन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज कंसाइडर। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को हम किस तरह से देखते हैं ये हमें बताना है। अब आपने देखा दोस्तों नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब सबसे पहले इन दोनों चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, नॉन वर्बल, नॉन वर्बल के बारे में मैंने आपको काफ़ी बार बता दिया जिसके अंदर शब्दों का यूज ना हो, और इनफॉर्मल होता है जो अनौपचारिक हो, जैसे हम एक दोस्त के साथ बातचीत करते हैं, परिवार के दोस्तों, परिवार के लोगों के साथ बात करते हैं, तो इनके अंदर, इनके साथ हम कैसे बात करते हैं कि जैसे इन पर गुस्सा भी हो जाते हैं, इनसे प्यार भी करते हैं और इनसे हंसी मजाक भी करते हैं, तो वो क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। और लेकिन एक बॉस के साथ हम बातचीत करते हैं तो बहुत सलीका होता है हमारे बातचीत करने का, हम बॉस के साथ हम मजाक नहीं कर सकते, गुस्सा नहीं हो सकते, तो उसे हम कहते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किसके अंदर आता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। और आगे हम देखते हैं दोस्तों कि आगे किस तरह से क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर हमारे, ये देखिए जून 2019 का क्वेश्चन पेपर है, 24 तारीख को जो हुआ था, इसके अंदर देखिए ये कह रहा है कि हनी बी कन्विंग द अदर बीज, यानी कि एक जो मधुमक्खी है वो डांस करके दूसरी मधुमक्खियों को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है, तो उसे हम किस तरह का कम्युनिकेशन कहेंगे, उसे कहेंगे हम दोस्तों ग्रुप कम्युनिकेशन कहेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक कम्युनिकेशन टाइप में से किस किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। और अब ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ मास मीडिया, मास मीडिया का क्या मतलब होता है वो हमें बताना है। ये जून 2019 में क्वेश्चन आया है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है ये ट्रांसमिट कल्चर, यानी कि एक कल्चर का जो फैलाव कह सकते हैं हम, ये फंक्शन होता है मास कम्युनिकेशन का। और आगे हम देखते हैं दोस्तों आगे किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। कम्युनिकेशन के अंदर एक दूसरा टॉपिक करते हैं, उसमें हम देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे ना, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो यार, इससे हमारा उत्साह बनता है और आगे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम आगे भी आप सभी के लिए ऐसे ऐसे कंटेंट बनाएं। और एक बात का आप ज़रूर जवाब देना दोस्तों, क्या हमें ऐसी वीडियो दोबारा फिर बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, जो 10 के 10 टॉपिक है उन सभी की बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, इसके बारे में आप सभी अपनी अपनी राय ज़रूर देना। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, जहाँ जहाँ भी हो सके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। और चलिए दोस्तों अब हम और क्वेश्चन देखते हैं जो कम्युनिकेशन के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और रिपीट भी हुए हैं। ये देखिए दोस्तों हमारे पास दिसंबर 2012 का क्वेश्चन पेपर है और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं कि शिक्षा का कक्षा में संप्रेषण किस सिद्धांत पर निर्भर होता है, तो ये हमें बताना है। तो इसका आंसर है दोस्तों एंटरटेनमेंट, यानी कि कक्षा के अंदर जो हम संचार कर रहे हैं उसके अंदर बच्चे को शिक्षा भी मिलनी चाहिए और एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। दोस्तों अगर आप चाहे तो बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स देते हैं, थ्योरेटिकल वीडियोस देते हैं, इसके साथ साथ 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ऑल ईयर क्वेश्चन पेपर देते हैं विद टॉपिक वाइज क्वेश्चन, जैसे कि आज तक रिसर्च के क्वेश्चन आ चुके हैं वो हमने अलग रखे हैं, टीचिंग के क्वेश्चन अलग रखे हैं, कम्युनिकेशन के अलग रखे हैं, इस तरीके से सभी 10 यूनिट के जो क्वेश्चन है आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको सभी 10 यूनिट के लाइव मॉक टेस्ट देते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। और यही क्वेश्चन मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ कि किस तरह से रिपीट हुआ है हमारे पास। और ये देखिए ये हमारा है दोस्तों क्वेश्चन पेपर जून 2013 का क्वेश्चन पेपर है और इसके अंदर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14, किसी शिक्षक का कक्षा में संप्रेषण किस सिद्धांत पर आश्रित होता है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी एडुटेनमेंट इसका आंसर आएगा। तो अब भी इसके आने की संभावना है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान में रखना। और आगे हम देखते हैं दोस्तों आगे किस तरह से जो क्वेश्चन है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए दोस्तों जून 2013 का क्वेश्चन पेपर है, इसमें क्वेश्चन नंबर 10, ये
हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन आया है, घुमा फिरा के पूछा है। अब देखिए इसने क्या कहा है कि संप्रेषण प्रक्रिया यानी कि कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो किस तरह से होता है ये हमें बताना है, और मैं इसको इंग्लिश में दिखा देता हूँ दोस्तों ताकि आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10, इसके अंदर कम्युनिकेशन प्रोसेस इन्होंने बताई है। सबसे पहले आएगा हमारा कम्युनिकेटर, फिर आएगा मैसेज, फिर आएगा मीडियम, फिर आएगा रिसीवर और फिर आएगा इफेक्ट। अब देखिए इसको थोड़ा सा घुमा के किस तरह से दे सकते हैं वो एग्जामिनर, कम्युनिकेटर की जगह वो कह सकते हैं कि सेंडर कह सकते हैं, सेंडर मैसेज, मीडियम रिसीवर रहेगा, और इफेक्ट की जगह वो कह सकते हैं फीडबैक। तो इस तरह से ये हमें पता होना चाहिए, एक आसान भाषा में पता होना चाहिए कि सबसे पहले हमारे पास मैसेज भेजने वाला होना चाहिए, उसके बाद में एक मैसेज होना चाहिए हमारे पास, उसके बाद में एक मीडियम कोई साधन होना चाहिए, और उसके बाद रिसीवर प्राप्त करने वाला होना चाहिए, और उसके बाद क्या इफेक्ट पड़ाया, उसने क्या फीडबैक दिया, ये इसकी पूरी प्रोसेस होती है दोस्तों। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये क्वेश्चन आ सकता है। और आगे हम देखते हैं दोस्तों आगे कौन से क्वेश्चन हैं जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जिनके आने की संभावना है। और अब ये देखिए दोस्तों ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये हम क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, ये हमारा कौन सा है, ये है दोस्तों हमारा दिसंबर 2013 का क्वेश्चन पेपर है, और इसके अंदर हमारा क्वेश्चन नंबर 7, एक मिनट रुकिए दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, हाँ ये रहा। कक्षा संचार में सामान्यतः क्या माना जाता है, कक्षा का जो संचार है उसे किस तरह का माना जाता है, तो इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, इसे संज्ञानात्मक संचार इसे हम कहते हैं, कोग्नेटिव यानी कि जिसके अंदर कुछ हमें सीख मिले, सीखने वाला संचार जो होता है उसे हम कहते हैं संज्ञानात्मक संचार कहते हैं। और इसमें ये क्वेश्चन बाद में भी रिपीट हुआ है और अब भी हो सकता है, ये देखिए इसे आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं कि क्लासरूम कम्युनिकेशन इज नॉर्मली कंसाइडर्ड एज कोग्नेटिव कम्युनिकेशन। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और यही क्वेश्चन मैं आगे भी दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से ये रिपीट हुआ है। और आगे हम देख लेते हैं दोस्तों, ये हमारा जून 2014 का क्वेश्चन पेपर है, और इसमें क्वेश्चन नंबर 6, एक वृत्तिक संचार में एनकोडर डिकोडर हो जाता है तब वहाँ होता है क्या होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन हमें समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है, यानी कि एक व्यक्ति मैसेज भेज रहा है, बी को मैसेज भेज रहा है, ठीक है, अब बी ने मैसेज लिया और बी दोबारा इसको मैसेज भेज रहा है, ठीक है, यानी कि ये पहले क्या था, रिसीवर था, अब ये क्या हो गया, सेंडर हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे दोस्तों फीडबैक, यानी कि यहाँ पे उत्तर दिया जा रहा है, एक इंसान दूसरे इंसान की बातों का उत्तर दे रहा, तो उसे हम क्या कहेंगे, फीडबैक कहेंगे। और आगे हम देखते हैं दोस्तों आगे किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ये देखिए ये हमारा दिसंबर 2014 का क्वेश्चन पेपर है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षक कक्षा में एक शब्द, एक संदेश शब्दों या चित्रों में भेजता, विद्यार्थी वास्तव में है, विद्यार्थी हमें बताना है कि क्या है, डिकोडर है। अब ये देखिए जो टीचर है वो संदेश भेज रहा है और जो बच्चे हैं वो उस संदेश को ग्रहण कर रहे हैं, तो उन्हें बच्चों को हम क्या कहेंगे, डिकोडर, यानी कि जो मैसेज को डिकोड कर रहे हैं, अपनी भाषा में समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो बच्चों को क्या कहेंगे, हम डिकोडर कहेंगे। ये दोस्तों ये हमारे लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से क्वेश्चन घुमा फिरा के दे सकते हैं। और आगे हम देखते दोस्तों आगे हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से है, ये दोस्तों मैंने पीडीएफ बना रखे है, अगर आप किसी को भी ये पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ ले सकते हैं, हमने जो 10 के 10 टॉपिक है पेपर फर्स्ट में सभी की ऐसे पीडीएफ बना रखी है, जून 2012 से लेकर जून 2019 तक हमने पीडीएफ बना रखी है, तो आप इन क्वेश्चन को करके बिल्कुल आसानी से पता कर सकते हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इनकी हमने एक कुछ सामान्य कॉस्ट भी रखी हुई है दोस्तों, वो आप दे के ले सकते हैं या फिर आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये देखिए दोस्तों हमारे पास जनवरी 2017 का क्वेश्चन पेपर है, और इसके अंदर देखिए इन्होंने व्हेन वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेज आर कंट्राडिक्टरी, अब देखिए ये चीज़ मैंने आपको अच्छे से समझाई थी कि जब वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि शाब्दिक और अशाब्दिक संचार दोनों कंट्राडिक्टरी यानी कि दोनों के अंदर व्यवधान उत्पन्न हो जाए तो किस पे हम विश्वास करेंगे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे हम विश्वास करेंगे। अब देखिए इसके अंदर क्या है कि जैसे दो बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे हैं और टीचर क्लास में आ जाता है और टीचर को पता नहीं चलता कि कौन सही है कौन गलत है, तो टीचर किस तरह से डिसाइड करेगा कि कौन सही है कौन गलत है, टीचर क्या देखेगा कि उन दोनों बच्चों के अंदर हाव भाव देखेगा,
कौन ज़्यादा डर रहा है या कौन किसका कॉन्फिडेंस है वो लूज है, यानी कि हाव भाव उनकी आंखों को देखेगा, तो उन सभी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा बच्चा है वो गलत है और कौन सा सही है, यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से हम काफ़ी हद तक पता कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन दो बार आ चुका है दोस्तों, इसको दूसरी बार घुमा फिरा के पूछा गया है, वो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। आगे हम देखते हैं दोस्तों। हाँ, ये क्वेश्चन दोस्तों ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करना दोस्तों। ये क्वेश्चन है ना, यही हमें मार खाते, इन्हीं क्वेश्चन में हम मार खाते हैं। अब देखिए, किसी कक्षा में स्थानिक श्रव्य पुनः प्रस्तुति की वजह से विद्यार्थियों का निम्नलिखित में से क्या घट सकता है। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि श्रव्य पुनः प्रस्तुति, इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है दोहराना। अब टीचर है, किसी बात को बार बार दोहरा रहा है, किसी चीज़ का बार बार उदाहरण दे रहा है, बच्चे उसको सुन रहे हैं, तो उससे क्या होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हमें बताना है। इसके ऑप्शन देखिए, इन्होंने कहा है ज्ञान में संज्ञानात्मक भार उत्पन्न होगा, शिक्षकों के प्रति आदर होगा, या फिर क्या होगा। अब देखिए, इसे क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या घट सकता है ये हमें बताना है, ठीक है। बार बार किसी चीज़ को बार बार रिपीट करने से क्या डिक्रीज हो सकता है वो चीज़ हमें बतानी है। अब क्या डिक्रीज हो सकता है, शिक्षक के प्रति आदर डिक्रीज हो सकता है, यानी कि जो इज्जत करते हैं वो कम हो सकती है। उत्कृष्टता के प्रति प्रेरणा, यानी कि जो प्रेरणा वो कम हो सकती है। प्रौद्योगिकी में रुचि, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है उसमें जो रुचि है वो कम हो सकती है। क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए है हमारा बोध में संज्ञानात्मक भार, तो इसका आंसर ये होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अब इसे समझाता हूँ आपको। अब देखिए, बोध में संज्ञानात्मक भार का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही, ठीक है, और वो हमारे लिए एक बर्डन बनी हुई है कि ये पता नहीं क्या है, किस तरीके से है, तो वो एक बोझ बना हुआ है, ठीक है, हमारे लिए। लेकिन कोई चीज़ हमें बार बार रिपीट की जाएगी तो जो वो भार है, जो हमारी समस्या है, उसमें कमी आएगी, वो हमारा जो समझ है वो विकसित होगी, और जो असमझ की जो चीज़ है, जो हमें समझ नहीं आ रही, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से समझने की कोशिश करना। और दोस्तों, अगर किसी भी दोस्त को इनमें से कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के जरिए, या फिर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, और ये क्वेश्चन पेपर देख लेते जुलाई 2018 का क्वेश्चन पेपर है। अब ये देखिए, कथन अभिकथन के जो क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, कैसे आएगा, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, कक्षा में कुशल ढंग से संप्रेषण करना एक स्वाभाविक अक्षमता है। ये देखिए, ये कह रहा कि क्लास के अंदर जो कम्युनिकेशन किया जाता है वो एक नेचुरल चीज़ है, यानी कि अच्छा कुशल ढंग से, अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन किया जाना क्या एक नेचुरल प्रक्रिया है, ये हमें बताना है, ये कह रहा है अपने कथन में। अब दूसरा तर्क है, कक्षा में प्रभावी शिक्षण के लिए संप्रेषण प्रक्रिया का ज्ञान आवश्यक है। अब ये देखिए, दोनों चीज़ें इन्होंने दी है, ये हमें बताना है कि कौन सी सही है और कौन सी गलत है। अब देखिए, सबसे पहली बात है ऑप्शन नंबर ए, अभिकथन ए, कक्षा में कुशल ढंग से संप्रेषण करना, यानी कि कक्षा में सही तरीके से कम्युनिकेशन करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया, यानी कि एक नेचुरल प्रक्रिया है, नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। ये एक नेचुरल तरीका नहीं है दोस्तों, ये हमारे अपने अंदर लेके आना पड़ता है, हमें अच्छा बोलना पड़ता है। अब देखिए, कोई बच्चा गलत भी कर सकता है तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस पर गुस्सा करें या उसे हम आराम से समझाएं, तो ये हमारे अंदर स्वाभाविक अक्षमता नहीं होती, ये नेचुरल चीज़ नहीं होती, ये हमें अपने अंदर लेके आनी पड़ती है। और यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो तो हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर टू देखते हैं, आर, कक्षा में प्रभावी शिक्षण के लिए संप्रेषण प्रक्रिया का ज्ञान आवश्यक है, ये बात इसकी बिल्कुल सही है। कक्षा में अगर हमें इफेक्टिव क्लास लेनी है, इफेक्टिव टीचिंग करनी है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, संप्रेषण प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक है, यानी कि हमें किस तरह से बात करनी है, क्या करना है, उसका ज्ञान होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, ए गलत है लेकिन आर बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हम बिल्कुल आसानी से जो कथन अभिकथन के क्वेश्चन हैं उनका आंसर दे सकते हैं। और हम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अब ये देखिए, ये है हमारा
सीक्वेंस ऑफ डिकोडिंग प्रोसेस कम्युनिकेशन। ये देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस है उसके अंदर किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, वो हमारा ये क्वेश्चन है। अब ये देखिए, ये बात कर रहा है डिकोडिंग प्रोसेस की बात कर रहा है दोस्तों। यहाँ पे हमें समझने की ज़रूरत है डिकोडिंग। अब देखिए, एनकोडिंग और डिकोडिंग का क्या मतलब होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया वीडियो में, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एनकोडिंग का मतलब क्या होता है, एनकोडिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी हम मैसेज देना चाह रहे हैं, जैसे कि कोई इंग्लिश में बुक है हमारे पास और हम उसमें इंग्लिश की बुक में कोई अच्छी बात है वो हम गांव वालों को समझाना चाह रहे हैं, तो वो चीज़ समझाने के लिए हमें इंग्लिश का जो मैसेज है उसको गाँव की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि गाँव के जो व्यक्ति है वो ज़्यादा समझ नहीं पाएंगे अगर हम उनके सामने इंग्लिश बोलेंगे तो। ठीक है, तो उनके हिसाब से जो हम मैसेज कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एनकोडिंग कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, एनकोड करना कहते हैं। और अब दूसरी बात ये आती है कि मान के चलिए कोई इंसान है, उसने गांव वालों को हिंदी में कोई बात समझाई, पहले इंग्लिश में थी कोई बात, उसको एनकोड करके हिंदी में समझाई। अब क्या हुआ कि घर के अंदर एक इंसान है, पढ़ा लिखा इंसान है, उसको हिंदी में सारी की सारी बात समझ में आ गई। अब उसको ये बात अपने दादा को समझानी है। ठीक है, किसे समझानी है, दादा को समझानी है। अब देखिए, इसने जो बात ली है वो हिंदी के अंदर ली है, अब इसे समझानी है गांव की जो लैंग्वेज, बिल्कुल लोकल लैंग्वेज होती है उसमें समझानी है। तो अब ये क्या करेगा, अब हिंदी की लैंग्वेज को डिकोडिंग करेगा, गांव की लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेगा और फिर आगे समझाने की कोशिश करेगा। यानी कि डिकोडिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है उसे हम अपनी भाषा में समझने की कोशिश करें उसे हम क्या कहते हैं, डिकोडिंग। और जो भाषा हमें किसी को समझानी है उसको हमें उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करने को क्या कहते हैं, एनकोडिंग कहते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। तो अब यहाँ पे बात आ रही है कि डिकोडिंग प्रोसेस होता है वो क्या होता है, वो हमें बताना है। अब देखिए, इसने दिया है डिकोडिंग प्रोसेस में ऑप्शन नंबर 4, सेंसरी इन्वॉल्वमेंट। एक मिनट रुकिए दोस्तों, सेंसरी इन्वॉल्वमेंट, सबसे पहले है सेंसरी इन्वॉल्वमेंट, फिर है इंटरप्रिटेशन, फिर है इवेल्युएशन और फिर है फीडबैक। अब देखिए, सेंसरी इन्वॉल्वमेंट, अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम अपने सेंस जो है उसके अनुसार उसको ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन आई है तो उसे हम अच्छे तरीके से अपने कानों से सुनने की कोशिश करते हैं, यानी कि सेंस के द्वारा उसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन यानी कि उसे हम अपने तरह से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसे समझने की कोशिश करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। उसके बाद इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन का मतलब है कि अब हमने उसको समझ लिया, अब हम इवैल्यूएट करते हैं, क्या ये चीज़ सही है, क्या ये गलत है, और इसके अंदर गलत है तो क्या है, यानी कि उसकी पूरी छानबीन करते हैं हम, क्या सही है क्या गलत है, इवैल्यूएट करते हैं उस चीज़ को, इवैल्यूएशन करते हैं। उसके बाद में फीडबैक, यानी कि हमने कोई चीज़ सुन ली, हमने देखा भाई नहीं ये चीज़ इसके अंदर गलत है, ये बात ऐसे नहीं होनी थी, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसे फीडबैक देते हैं। जिस इंसान के पास से हमारे पास वो नॉलेज आई है उसको हम बताते हैं भाई नहीं ये जो बात है तुम्हारी ये गलत बात है, ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, यानी कि हम उसे फीडबैक देते हैं। तो इस तरह से जो डिकोडिंग प्रोसेस है वो ऐसे होता है दोस्तों। तो यही बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो क्वेश्चन है वो घुमा फिरा के दिए जाते हैं, इसलिए हमारे लिए ओल्ड पेपर पीडीएफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब हम देखते हैं दोस्तों आगे हमारा क्वेश्चन कोई है तो। अब ये देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, ये पेपर देख लेते हैं, पेपर हमारा शायद दिसंबर 2018 का क्वेश्चन पेपर है। और इसके अंदर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है, एसरेशन यानी कि कथन, अभिकथन है ये हमारा। टीचर कम्युनिकेशन इज सेंट्रल टू क्लासरूम मैनेजमेंट। अब ये बात हमें बतानी है कि क्या क्लासरूम मैनेजमेंट के सेंट्रल में होता है। और दूसरा है हमारा, टीचर कम्युनिकेशन बिहेव शुड नॉट बी यूज्ड टू रेगुलेट द क्लासरूम बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट। अब देखिए, ये दोनों बात हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला ए नंबर पे इन्होंने दिया है, टीचर कम्युनिकेशन इज सेंटर टू क्लासरूम मैनेजमेंट। अब ये कह रहा है कि जो टीचर कम्युनिकेशन कर रहा है वो क्लासरूम की पूरी मैनेजमेंट संभालने में काम आता है, ये बात इन्होंने कही है। टीचर कम्युनिकेशन पूरी क्लास की मैनेजमेंट संभालने में काम आता है। अब दूसरा है आर, रीज़न इन्होंने दिया है,
टीचर कम्युनिकेशन बिहेव, यानी कि टीचर जो कम्युनिकेशन कर रहा है उसका बिहेव है, उसका व्यवहार जो है, शुड नॉट बी यूज टू रेगुलेट द क्लासरूम बिहेवियर। अब इसके कहने का मतलब क्या है कि जो टीचर जो बिहेव कर रहा है वो क्लासरूम के बिहेव को चेंज नहीं करता, ये बात कह रहा। तो आप खुद बताइए, अगर कोई टीचर है वो बहुत प्यार से पढ़ा रहा है तो क्या होगा, क्लास का जो बिहेव है वो भी बहुत अच्छा होगा। और एक टीचर जो बिल्कुल गुस्से में आता है, बिल्कुल गुस्से में पढ़ाता है, तो क्या होगा, सभी बच्चे उससे डरेंगे और क्लास का जो माहौल है वो बिगड़ जाएगा। तो इससे क्या होगा दोस्तों, जो आर जो रीज़न है वो हमारा गलत हो जाएगा। ये गलत कैसे होगा, क्योंकि टीचर का जो कम्युनिकेशन बिहेव है वो क्लास के कम्युनिकेशन बिहेव को इफेक्ट करता है। और इसकी जो ए है, ए बात बिल्कुल सही होगी दोस्तों, जो टीचर कम्युनिकेशन है वो सेंटर पॉइंट होता है क्लासरूम मैनेजमेंट का। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं दोस्तों। कथन अभिकथन के जो आंसर है वो भी बिल्कुल आसान होते हैं, बस हमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी होती है। और आगे हम देखते हैं दोस्तों, आगे ये क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं, ये भी करवा दिए हैं, और ये क्वेश्चन भी हमारे करवाए हैं हमने। और अब हम एक क्वेश्चन और है वो और देखते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा 21 जून 2019 को क्वेश्चन आया था। इसके अंदर हमें बताना है कि कम्युनिकेशन एलिमेंट है उनकी क्या क्या प्रोसेस होती है, क्या क्या काम होते हैं, वो हमें बताना है। और इसके अंदर देखिए, सेंडर, वही बात जो मैंने आपको पहले बताई थी कि सेंडर, रिसीवर, मैसेज, मीडियम, ये सारी चीज़ें, और जो हमारे शरीर के अंदर जो चीज़ें हैं वो किस तरह से रिलेटेड है वो हमें बताना है। अब देखिए, सबसे पहला है इसके अंदर सेंडर है, सेंडर, और अपना जो शरीर है उसके अंदर कौन हो सकता है सेंडर। सबसे पहले है सेंसरी ऑर्गन। सबसे पहले हमारे शरीर के अंदर क्या आता है दोस्तों, सेंसरी ऑर्गन आता है। इसका मतलब क्या है, अब देखिए, जैसे हमारे शरीर को चोट लगती है, हाथ को चोट लगी तो क्या हुआ कि हमें दर्द हुआ, हमारी त्वचा को फील हुआ, तो वो क्या होगी, सेंसरी ऑर्गन होगी। वो क्या है, सेंडर है, वो मैसेज भेज रही है। अब देखिए, जैसे हमारे वो सुन का टीका लगाया जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे हमें दर्द नहीं होता, जैसे हमारा काफ़ी बार इलाज किया जाता है ऑपरेशन के अंदर तो हमें बिल्कुल भी दर्द नहीं होता, क्यों, वो इंजेक्शन लगा देते हैं। तो तब क्या है कि हमारे सेंसरी ऑर्गन है वो काम करना बंद कर देती है। तो हमारे शरीर के अंदर जो सबसे पहला मैसेज सेंड करने का काम करता है वो सेंडर जो होता है वो होता है सेंसरी ऑर्गन होता है। अब देखिए, आगे है हमारे पास रिसीवर, यानी कि जो हमने हमारे सेंसरी ऑर्गन ने मैसेज सेंड करने का काम किया वो किसके पास पहुंचेगा, वो पहुंचेगा हमारे ब्रेन के पास, हमारा जो दिमाग है उसके पास वो मैसेज पहुंचेगा। और उसके बाद में है मैसेज, मैसेज क्या होगा, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्पल्स, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उनके पास पहुंचेगी। जो हमारा मैसेज होगा वो किस फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर होगा। और मीडियम, मीडियम क्या होगा दोस्तों हमारे शरीर के अंदर, वो होगा द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारे शरीर के अंदर जो तंत्रिका तंत्र होता है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, उसे हम क्या कहेंगे, मीडियम कहेंगे हमारे शरीर का। तो इस तरह से ये हमारे शरीर के अंदर बताया है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस किस तरह से होता है। तो इस तरह से दोस्तों जो क्वेश्चन है वो घुमा फिरा के दिया जाता है, हमें बस समझने की ज़रूरत होती है। और इसके अलावा हम देखते दोस्तों, अगर कोई और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हुआ तो मैं आपको देखता हूँ। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास कम्युनिकेशन में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक रह गया, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। अब देखिए, वैसे तो ये हमारा नया टॉपिक ऐड हुआ है, लेकिन इनमें से क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, हमारे पास जून 2013 का क्वेश्चन पेपर है, और इसके अंदर मैं क्वेश्चन नंबर आपको दिखाता हूँ हमारा इंग्लिश के अंदर। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, कम्युनिकेशन बाय न्यू मीडिया सच एज कंप्यूटर, टेलीशॉपिंग, इंटरनेट एंड मोबाइल टेलीफोनी इज टर्म। यानी कि इंटरनेट के द्वारा जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे कि चैट करते हैं, फेसबुक पे चैट करते हैं, व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, तो उसे हम किस तरह का कम्युनिकेशन कहेंगे, तो इसे हम कहेंगे दोस्तों इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि हम इंटरेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। और इसी में हम देखते हैं दोस्तों आगे किस तरह से क्वेश्चन आए हैं जून, यानी कि 18 के अंदर, दिसंबर 2018 में और जून 2019 में किस तरह से क्वेश्चन आए हैं, और ये हमारे लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है वो भी मैं आपको पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। ये टॉपिक हमारे लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा ही आएगा। और अब हम देखते हैं दोस्तों, हमारा क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, दिसंबर 2018 का क्वेश्चन पेपर है, उसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। ये है हमारा
हाँ ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा दिसंबर 2018 का क्वेश्चन पेपर है, और इसके अंदर इन्होंने दोबारा फिर ये पूछ लिया कि यहाँ पे ये तीनों टाइप दिए हैं, लीनियर कम्युनिकेशन दिया है। एक मिनट रुकिए, यहाँ पे ये देखिए इन्होंने लीनियर कम्युनिकेशन, इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन और ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन यहाँ पे इन्होंने दिया है। तो इसमें हमें बताना है दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब देखिए हम एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, और उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इन्होंने जो यूजीसी ने जो आंसर इसका ए दिया है दोस्तों, ये आंसर मेरे को बिल्कुल सही नहीं लग रहा। तो मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ कि इसका आंसर क्या होना चाहिए और यूजीसी ने क्या दिया, ये दोनों चीज़ आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि लीनियर कम्युनिकेशन, लीनियर कम्युनिकेशन क्या होता है दोस्तों, एक सीधी रेखा के अंदर चले और जिसके अंदर फीडबैक ना के बराबर हो, और अगर फीडबैक हो तो भी वो क्या है कि काफ़ी लेट समय बाद में आए, तुरंत फीडबैक ना आए उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर कम्युनिकेशन कहे। जिसमें लेट कम्युनिकेशन आए तो उसे हम कहते हैं लीनियर कम्युनिकेशन कहते हैं। और आगे दोस्तों इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन, इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर ये होता है दोस्तों, हम इंटरेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, यानी कि अपनी बात बता रहे हैं, अगला हमें जवाब दे रहा है, और फिर हम बात बता रहे हैं वो जवाब दे रहा है, यानी कि बारी बारी से हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं। अब दोस्तों ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन, अब देखिए ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन के अंदर जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है कि हम आमने सामने होते हैं और एक दूसरे से खुल के बात करते हैं, अगला कोई सवाल पूछ रहा है हमसे और हम बीच में उसे टोक देते हैं और बीच में से अपनी बात कहने लगे, वो भी बोल रहा है और हम भी बोल रहे हैं, और इसके अंदर पूरा ग्रुप भी हो सकता है, यानी कि जैसे ऑफिस के अंदर हम मीटिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर हम बोल सकते हैं, और या फिर जैसे टेबल के ऊपर बैठे चार दोस्तों एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन होता है वो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने समझ ली। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन इन्होंने दी है इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे। अब देखिए चारों ऑप्शन को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। मेंबर आर गिवन थीम ऑन विच दे आर रिक्वायर्ड टू होल्ड डिसीजन। अब देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन है इन्होंने कहा है कि मेंबर जो किसी भी संस्था के अंदर मेंबर हो सकते हैं उनको एक थीम दी जाती है और उन पे अपने अपने डिसीजन देने के लिए बोला जाता है। ठीक है, यानी कि एक थीम दे दी किसी को, जैसे मेल कर दिया सभी को भाई आपकी ये थीम है इस पे आपको दो मिनट बोलना है, या फिर जैसे हम क्लास के अंदर कहते हैं ना बच्चों को कल हम जैसे दीपावली का प्रस्ताव सुनेंगे सभी आप तैयार करके आना। ठीक है दोस्तों, तो हमने एक ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये समझ लिया। अब हम दूसरे पर बात करते हैं, ए टीचर इन द क्लास प्रेजेंट ए स्ट्रक्चर कंटेंट। एक जो क्लास है उसके अंदर जो टीचर है वो अपने जो पूरा का पूरा लेक्चर दे रहा है, देते जा रहा है, यानी कि स्ट्रक्चर कंटेंट प्रेजेंट कर रहा है वो। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम थ्री समझते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ ए कॉलेज होल्ड द स्टाफ मीटिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग देयर प्रॉब्लम। जो प्रिंसिपल है कॉलेज का उसने सभी स्टाफ को बुलाया एक मीटिंग करने के लिए और उनकी समस्याओं को सुनने के लिए। अब हम अगला देखते हैं, द टीचर एंड स्टूडेंट इन ए कॉलेज ऑन ए रैम्पेज। जो स्टूडेंट और टीचर है, जो टीचर और स्टूडेंट है वो रैम्पेज के ऊपर चलते हुए जा रहे हैं। अब देखिए, अब इनमें से बताइए कौन सा ऑप्शन किस में होगा और मैं इसमें आपकी हेल्प करता हूँ। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ए टीचर इन क्लासरूम प्रेजेंट ए स्ट्रक्चर कंटेंट। एक टीचर है वो क्लास के अंदर अपनी प्रेजेंटेशन दिए जा रहा है, देते जा रहा है, तो वो क्या होना चाहिए दोस्तों, वो होना चाहिए हमारा लीनियर कम्युनिकेशन होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि लीनियर के अंदर एक लाइन के अंदर सीधा कम्युनिकेशन होता है, उसके अंदर फीडबैक ना के बराबर होता है, फीडबैक हम नहीं लेते और लेते भी है तो वो काफ़ी समय बाद आता है। ठीक है, मेरे हिसाब से इसका क्या होना चाहिए, ए का होना चाहिए हमारा बी आंसर होना चाहिए, और इसमें हम मार्क कर लेते हैं दोस्तों, ए का होना चाहिए हमारा, ये होना चाहिए बी होना चाहिए। ठीक है, और आगे देखते हैं दोस्तों, हमारे पास है इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन। अब देखिए इंटरेक्टिव में मैंने आपको बताया था कि इंटरेक्ट होते एक दूसरे के साथ, और इसके अंदर जो हमारा जो आंसर है वो थोड़ा सा लेट हो सकता है, लीनियर से जल्दी होगा और ट्रांजैक्शन से थोड़ा लेट होगा, यानी कि इन दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं। अभी ये देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए, मेंबर आर गिवन थीम ऑन विच दे आर रिक्वायर्ड टू होल्ड डिसीजन। अब जैसे क्लास के अंदर 20 बच्चे बैठे और उनको कहें कि जल्दी से आप याद कीजिए हम आपसे दीपावली का प्रस्ताव सुनने वाले हैं, तो उनको हमने 10 मिनट का टाइम दे दिया तो वो क्या होगा इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन हम उसे कह सकते हैं। और आगे है दोस्तों ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन। अब इसके अंदर देखिए
इसके अंदर मेरे ख्याल से आना चाहिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3, द प्रिंसिपल ऑफ ए कॉलेज होल्ड द स्टाफ मीटिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग देयर प्रॉब्लम। प्रिंसिपल ने सभी जो स्टाफ है उनकी मीटिंग बुलाई है उनकी समस्याओं को सुनने के लिए। अब देखिए समस्याएं सुनेंगे तो क्या होगा, उनके अंदर ट्रांजैक्शन होगा, एक दूसरे के अंदर कोई कुछ समस्या बताएगा और एक दूसरे के बीच में बोल भी सकते हैं अपनी समस्याओं को लेकर। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर इस तरीके से होना चाहिए दोस्तों, ये इसका आंसर होना चाहिए, ए का होना चाहिए 2 और 2 का होना चाहिए ए और 3 का होना चाहिए 3, ये इसका आंसर होना चाहिए। लेकिन जो UGC है इसने दोस्तों इसका आंसर अलग दिया है जो मेरी समझ से बाहर है, और किसी और दोस्त को इसके बारे में समझ में आए तो वो हमें ज़रूर ज़रूर बताना। देखिए इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा ए का 3 दिया है, ए का हम 3 कर लेते हैं, बी का इन्होंने 2, बी का इन्होंने 1 दिया है ये कर लेते हैं, और सी का इन्होंने 2 दिया है ये कर लेते हैं। अब देखिए UGC के अनुसार देखते हैं कि क्या ये सही है या गलत है। अब देखिए लीनियर कम्युनिकेशन के लिए इन्होंने कहा है द प्रिंसिपल ऑफ ए कॉलेज होल्ड द स्टाफ मीटिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग देयर प्रॉब्लम। अब देखिए ये मेरे हिसाब से बाहर है क्योंकि लीनियर कम्युनिकेशन के अंदर सीधा कम्युनिकेशन होता है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि जो कॉलेज स्टाफ है वो अपनी समस्याओं पर बातचीत करने के लिए आए हैं, तो मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए। और शायद हो सके तो आप दोस्तों बताना इसके अंदर क्या होना चाहिए, क्या ये UGC का गलत है या सही है। और आगे दोस्तों आगे तो कुछ नहीं, इतना आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं कम्युनिकेशन के अंदर। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे ना तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो यार, इससे हमारा उत्साह बनता है और आगे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम आगे भी आप सभी के लिए ऐसे ऐसे कंटेंट बनाएं। और एक बात का आप ज़रूर जवाब देना दोस्तों, क्या हमें ऐसी वीडियो दोबारा फिर बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, जो 10 के 10 टॉपिक है उन सभी की बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, इसके बारे में आप सभी अपनी अपनी राय ज़रूर देना। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, जहाँ जहाँ भी हो सके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों अगर आप चाहे तो बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स देते हैं, थ्योरेटिकल वीडियोस देते हैं, इसके साथ साथ 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर देते हैं विद टॉपिक वाइज क्वेश्चन, जैसे कि आज तक रिसर्च के क्वेश्चन आ चुके हैं वो हमने अलग रखे हैं, टीचिंग के क्वेश्चन अलग रखे हैं, कम्युनिकेशन के अलग रखे हैं, इस तरीके से सभी 10 यूनिट के जो क्वेश्चन है आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको सभी 10 यूनिट के लाइव मॉक टेस्ट देते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। दोस्तों अगर आप चाहे तो बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स देते हैं, थ्योरेटिकल वीडियोस देते हैं, इसके साथ साथ 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर देते हैं विद टॉपिक वाइज क्वेश्चन, जैसे कि आज तक रिसर्च के क्वेश्चन आ चुके हैं वो हमने अलग रखे हैं, टीचिंग के क्वेश्चन अलग रखे हैं, कम्युनिकेशन के अलग रखे हैं, इस तरीके से सभी 10 यूनिट के जो क्वेश्चन है आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको सभी 10 यूनिट के लाइव मॉक टेस्ट देते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए।